दावे नबूवत करके जिंदा रहता है या अजाब नहीं होता तो फिर वो सच्चा है। ये इस उस पे आया मियार मोहम्मद अरबी की जिंदगी पर, कि क्योंकि आपका मिशन 23 साल का था तो इस हिकमत के तहत ये बात की गई थी। लेकिन ये बात हिकमत में ठीक है, वैसे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि याहिया जो है नबी हमारे, वो मुख्तसिर वक्त में कत्ल कर दिए गए थे, लेकिन कुरान उनका जिक्र करता है और कहता है जिस दिन वो पैदा हुआ उस पर सलामती होगी, जिस दिन मरेगा उस पर सलामती होगी। अब अफसर साहब जो हमारे नबी हैं, इनसे गुजारिश है बस सबको वो वीडियो भेज दें जिसमें 40 साल पहले जो मेरे मानने वाले थे, जो मैंने कहा था तालीमात और जो मैंने इल्हाम वही और खुदा से मुलाकात थे, वो वीडियो भेज दें तो बात साबित हो जाएगी कि 40 साल पहले उसकी गवाही मौजूद है पुराने मानने वालों में। अब रह गया इल्हाम, या जब पाकिस्तान में तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी लिखने की, वहां तो यानी के जान के लाले पड़े होते हैं, लेकिन वो सारी तालीमात जो 12 साल से खुदा ने मुझे देनी शुरू की, वो सारी फिर पहली किताब आई थी 2000 में, तो उसमें देख सकते हैं। अगर वही अल्फाज जो खुदा ने कहे हैं वो भी वीडियो भेजे आप इनको, जो खुदा ने मुझे सामने खड़ा करके और अल्फाज तो रहे हैं, तो किताब 2000 में आई है, लेकिन उसमें जो इल्हाम वही और मुलाकातें हैं वो बड़ी पुरानी है। तो बाकी गवाही वो दे देंगे। एक शख्स की उम्र 40 साल वो मेरे साथ मिशन में रहा, उसकी 90 साल उम्र है, दूसरे की तीसरे की जो हमारे शुरू के मानने वाले हैं उनको वो वीडियो आप सुन लें, तो 23 साल तो खैर बड़ी दूर की बात है, अब ये मेरा दौर 60 साल का जा रहा है, लेकिन ये मियार नहीं है, इसको मियार नहीं समझा जाएगा, ये हिकमत के तहत अपना सैयदना गुलाम अहमद कादियान ने इसको पेश किया था इस मियार को। तो बाकी उसमें से अगर कहाँ कहाँ पे है तो वो फिर नबी अगर एक किताब पढ़ेंगे तो उसमें सारी जगहों पे ही बराह रास्त ही खुदा से मुलाकात है। बाकी बता देता हूँ आपको एक और बात, इंसान तो खैर बहुत दूर की बात है, वही इल्हाम निचला दर्जा है, वही उससे ऊपर का दर्जा है। वही में होता यह है कि जितनी भी इंसानी हिस्से हैं वो ताकत हो जाती है, ताकत से मुराद हिलजुल नहीं सकती, तब खुदा की आवाज जो है वही की सूरत में सुनाई देती है। मोहम्मद अरबी भी कहते हैं कि ये हालत जो है ये बड़ी रोबदार और दबदबे की होती है खुदा की आवाज। तो खैर इंसान तो खैर इंसान कामिल भी हो सकता है, लेकिन कुरान की तालीमात से आपको पता लगेगा कि खुदा ने वही शहद की मक्खी को भी वही की थी। अगर शहद की मक्खी को वही कर सकता है और कहता है कि तू थोड़ा थोड़ा फल खा और मेरे कामयाब बताए हुए रस्तों पर चल जो फला के रस्ते हैं, तो इंसान को वही क्यों नहीं हो सकती। तो इल्हाम का दर्जा यह है कि जब इंसान की हिस्से एक संगम पे मिल जाए, खालिस फिकर अल्लाह आ जाए और उसमें कोई और दुनियाई सोच बाकी ना रहे, तो एक कलाम तारी होता है दिल पर, इसे इल्हाम कहा जाता है। अब इल्हाम का यह है कि उसको समझने के लिए भी हिकमत चाहिए, इसलिए कहा गया है कि नबियों के दर्जात भी एक जैसे नहीं है, दर्जात में भी फर्क है,
उनकी रूहानियत में भी फर्क है, उनके नूरों में भी फर्क है। तो अगर रूहानी हिस्से खुली हो तो आप देख लेंगे, क्योंकि मेरी तो मुलाकातें होती रहती हैं गुलाम अहमद कादियान और दूसरे नबियों से, आप नूरों में फर्क देख सकते हैं, उस नूरों के मुताबिक दर्जात हैं। तो अब आप सवाल कर लें जो करना है, गालबन मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, जवाब दे दिया है, और मैार जो रखा है वो ही बता दिया है मैंने। तो ऐसा सवाल किया, वो मैंने पुरानी पुरानी यूट्यूब पे उसकी वीडियो देखी जिसमें वो आपके खिलाफ बोल रहा था, तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि आप तो बड़े बड़े खिलाफ थे, अल्लाह ताला ने आपको जाने नूर दे दिया और अब आप रूहानी हो गए, अब आप नहीं बोलते, ये मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा था। कुरान भी कहता है जो जो हो चुका वो हो चुका, तो वो नहीं चाहता कि ऐसे सवाल किए जाए तो खत्म हुई बात, क्योंकि पहले इस बारे में लिखा हुआ है जो तूने किया है वो औरों से नहीं पूछा जाए, और जो और करेंगे वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तो जब एक शख्स कह रहा है कि मुझसे मेरे मुताबिक माजी का सवाल ना करो, उससे तकलीफ होती है, इसलिए चलो बात कही, बात खत्म हो गई, बात आई जाई हो गई, मैंने मना कर दिया था इसलिए। सो बस साहब, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज मैं हाजिर हूँ, कर लें, ताकि इसके बाद मैंने गजवा हिंद के मुताबिक बताना है, क्योंकि नबियों में से अभी तक ना इस पे गुलाम अहमद कादियान ने रोशनी डाली, गजवाए हिंद है क्या इस पर मैंने बताना है, क्योंकि मैं बैठा हुआ था फिरदौस में मोहम्मद अरबी के साथ और दूसरे अंबिया बैठे हुए थे, तो फरिश्ते ही बैठे हुए थे, तो इस गजवाए हिंद के मुतालिक जो उन्होंने मालूम दी वो मैं आप तक पहुँचाना। तो अच्छा बट साहब, कोई सवाल है तो कर ले प्लीज। जी वो साहब, आपको आवाज आ रही है जी? बस साहब आप हमारे साथ हैं? हजूर ऑफलाइन हो गए हैं। हजूर मैं आपसे छोटी सी बात कर लूं अगर इजाजत हो। ये आप अच्छा बताएं पहले, ये ऑन कर दूं कि नहीं? हजूर हमारी तरफ रिकॉर्डिंग हो रही है, हमने चलो ठीक है जी, तो मैं भी करता हूँ जी। जी ठीक है, कर लीजिए सवाल चटर साहब। जरूर बड़े बेटे के बारे में आपने ख्वाब में बताया था ना कि दुनियादारी में रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो दुनियादारी में चला जाएगा, तो ऐसी बात आज बहुत लड़ा है मुझसे, घर में बहुत लड़ाई हुई है, मेरे घर में बड़ा फसाद हो रहा है, प्लीज दुआ फरमाए मेरे घर में सुकून हो जाए, बहुत परेशानी हो गई आज। इसके मुतालिक अर्ज ये है कि जब भी खुदा की तालीमात आती है तो एक घर के अंदर चार आदमी एक जगह पर इकट्ठे नहीं होते, दो खिलाफ हो जाते हैं, दो जो है वो मानते हैं। तो ईसा इब्ने ज़करिया कहते हैं कि हमने जब से मैं आया हूं एक घर के अफराद इकट्ठे नहीं होंगे, तो उसकी वजह ये है कि बुराई और अच्छाई में जंग शुरू हो जाती है, ये इससे पहले नहीं हुआ। तो इसके लिए दुआ भी करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बुराई और अच्छाई के दरमियान रसाकशी है। क्या है रसाकशी? तो इसको आपने बर्दाश्त करना है, ये खुदा की मंशा है, एक आग का अंगारा है, इसे हाथ में भी ले और कहे कि हाथ भी ना जले, बाकी दुआ कर देते हैं, लेकिन हकीकत हाल कई हजार सालों से यही आ रही है जो मैंने बताई है। ईसा के दौर में भी ये हुआ, एक घर के अफराद आपस में ही उन्होंने जोत लगा दिया, जंग शुरू कर दी, दो मानते थे पांच ने काम भी मानते हैं, दुआ करते हैं। मोहम्मद अरबी ने दुआ की थी अबू जहल के मुतालिक, इसका नाम अबू जहल नहीं है, ये बहुत बड़ा उलमा था, इसे इब्ने हाशम इसको कहते हैं, तो अपने वक्त का बहुत ही बड़ा उलमा था, इसका नाम
जो सहाबा है उन्होंने रख दिया, अबू जहल, कि इतना बड़ा मुफ्ती उलमा होकर जाहिलों जैसी बात की, दुआ की अब इब्ने हशाम के मुतलिक, जिसे अब अबू जहल कहते हैं, लेकिन दुआ कबूल हुई। जैसे मोहम्मद साहब ने देखा कि मैंने देखा कि इब्ने हशाम अबू जहल जिसे कहते हैं आप, वो ईमान ले आया है, लेकिन वो ईमान लेके नहीं आया, वो ईमान, वो दुआ कबूल हुई उसके बेटे पर, अकरमा बिन हिशाम पर वो दुआ पूरी हुई। तो दुआ कर देते हैं, अगर उस पे पूरी ना हुई तो किसी और पे पूरी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है लेकिन सर। दुआ मेरी जाया नहीं होगी, ये किसी और पे, शायद आपके कोई नवासते, कोई और जो आने वाली नस्लें हैं उस पर जाके लगी ये दुआ, ये तीर कमान से निकला हुआ है मसीह समा का, ये जाया नहीं जाएगा, इसने लगना ही लगना है, कहाँ पे लगेगा ये खुदा बताएगा। तो ये काम करते थे बस, सब आगे पूछ ले फिर, ताकि मैं फिर वो जी गजबा बस ही जी जरूर बस सर, आपका कोई सवाल है तो जरूर फरमा रहे हैं कि जरा क्यों सुने पूछ लें आपका, अगर कोई सवाल है तो। वो सुने जो मैंने अभी बताया, पूछ रहे। जी जी आपको आवाज आ जी रही है? मेरा कुछ अच्छा काम जी था बस, जो मैंने अभी तशरीह की है आपने सुनी है? साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मेरा सिग्नल बहुत ज्यादा, क्या बीच में से आवाज चली जाती है? अभी आवाज आई है मुझे थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं आपको मेरे बिजली सिग्नल बहुत वीक भेजूंगा। चल रहे हैं इधर अच्छा, तो। आवाज मैंने अभी इसकी वो दी है तशरीह, कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ 23 साल का, और किस हिकमत के तहत, कि जो नबी, हकीकत ये है कि नबी दावा नहीं करते, ये भी गलत है, नबी दावा नहीं करते, नबी ऐलान करते हैं, जो वो खुदा से सुनते हैं वो बात आगे बताते हैं, तो दावा करेगा, जी दावा तो वो हो ना कि मैं साबित करूं कि मैं झूठा हूं या सच्चा हूं, दावा नहीं करते, वो ये ऐलान करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं खुदा की तरफ से, ये खुदा से सुन के कह रहा हूं, और अगर मैं झूठा हूं तो खुदा पकड़े, तो फिर ये मुसलमानों को तकलीफ क्यों होती है? सबसे ज्यादा तकलीफ तो खुदा को होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं उस पे अगर झूठ बोल रहा हूं तो खुदा पकड़े, और खुदा ने इसका ऐलान भी कर दिया, मियार बता दिया है कि मैं उसको दाएं हाथ से पकड़ लूंगा और उसकी शहरग काट दूंगा। इससे मुराद शहरग नहीं है, ये भी बयान कर दूंगा आपको, मुराद ये है कि मैं उसे दुनिया और आखिरत में जलील कर दूंगा, हकीकत आया हो जाएगी, ये मुराद है खुदा की। तो जब वो दावा ही, जो वो ऐलान ही खुदा पर कर रहा है, तो उसका बंदोबस्त भी खुदा करे। अच्छा, अब यहां एक और बात है जो वाजे कर दूं, कुरान से ही, कुरान कहता है ए आदम की औलाद, या बनी आदम, फिर कभी रसूल आए, रसूलों का इनकार ही नहीं है, फिर कभी रसूल आए और तुम्हें हमारी आयात बयान करे। आयात से मुराद यहां ये होगी कि खुदा अपना कलाम फिर नाजिल करे और कोई नई चीजें पेश करे, और मार्फत इलाही इंसानियत को बताना चाहे। तो यहां खुदा ने एक शर्त रख दी, वो शर्त ये रखी, तुम्हें कोई हक नहीं है उसको इंकार कर, तुम्हें क्या होगा, इत्तबा, तुमने सिर्फ उसकी इत्तबा करनी है, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो खुदा की तरफ से कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? या बनी आदम इम्मा यातिहिन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकसूना अलैकुम मिन आयाती, वो मेरी तरफ से नाम ले लेकर बयान कर रहा है इस बात को, तुम्हारा अख्तियार कैसे हो गया कि तुम उसको झुठला दो? छूटा है तो मैं पकड़ूंगा, ये काम मेरा है, तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हें कहें की तकलीफ हो रही है। फिर खुदा कह रहा है तुमने उसको तालीमात को माना जो उतरी है,
तू वो झूठा है सच्चा, उसका जिम्मेदार मैं हूंगा, तुम्हें क्या मिलेगा? मैं ये भी सुन लो ना, तुम्हें परखने का नहीं कहा गया, तूने उसको इसलिए माना कि ए रब हमने इसकी आवाज सुनी जो तेरी तरफ लाता था, ठीक है, तेरा नाम ले लेके हमें नई तालीमात देता था, हमने सुनी और इसलिए हम ईमान ले आए। अगर ये झूठा तो पकड़ इसको, हमने तो तेरी वजह से ना, तू था तो खुदा कहता है तू परख नहीं सकते। हाँ झूठा सच्चा जो है वो मैं पकड़ूंगा, तुम्हें क्या मिलेगा? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हें खौफ और गम से हम निजात दे देंगे। ये हालतें जो है ये जन्नत की हालतें हैं, मैं भी ये भी बता देता ना, जन्नत के अंदर ना खौफ है ना गम है किसी चीज के पिछड़ने का, क्योंकि अल्लाह की जात कहती है माफ करना कोई आ गया है, टू क्लोज, अल्लाह की जात कहती है किशे देंगे नहीं किशे। हजूर ये अजीम भट्ट साहब? हाँ जी, ये अजीम भट्ट जी। अल्लाह की जात कहती है कि इस दुनिया के अंदर चाहे कितने चक्कर चले, कुरान की मिसाल देखे खुदा, वहां भी देखिए वहां मोती वहां भी है, चाहे चक्कर चले वह औलाद हुकुम वाजवाज हुकुम, जितने चक्कर चले उन पर एक चीज में नाजिल कर देता हूं, कोई चीज उन्हें डरा नहीं सकती और ना खौफ होगा। ये हालतें मैं जनतों में नहीं इसी दुनिया में दे बैठता हूं, तो नबी तो आते रहेंगे और आपकी ये मजाल भी नहीं कि ताकत भी नहीं आप उनका इनकार कर जाए और करें, वो तालीमात क्या है? अब आप क्योंकि मुसलमान है, अहमदी है, इस तरफ से आए हैं, तो कुरान उठाकर देख ले, लिखा हुआ है मैं जब किसी को भेजता हूं तो ये नहीं कि वो अपना बताना शुरू कर दे, ठीक है, किसी नबी के लिए मजाल नहीं है, उसको इसलिए भेजा जाता है कि तौहीद मार्फत इलाही के मुतालिक इंसानियत को बता जो मैं कह रहा हूं। और अगर कोई भी इसमें बैठा बैठ गया अपने आप ही और कहा मुझे मान लो मेरी सुनो, उसका खमियाजा वो नबी भुगत लेगा आखरत के अंदर। ये म्यार रखे हुए खुदा की जात में, ईसा ने भी बाइबल ने कहा है आने वाले को तुम पहचानोगे कैसे, वो इसलिए पहचानोगे वो आके तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तस्बीह फेरा करो, अल्लाह अल्लाह दिया करो, चंदा दिया करो, ज़कात दिया करो, और ये काम तो हो रहे हैं पहले भी 15 साल से यही हो रहा है, मुफ्ती मुल्ला यही सारे काम हो रहे हैं, वो तुम्हें ऐसी बातें बताएगा कि उससे पहले किसी नबी ने नहीं बताई, वो मार्फत इलाही के नए राज खोलेगा तुम्हारे लिए। और फिर खुदा ने बता भी दिया उसे झगड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहूं कुरान में लिखा हुआ आयात मंसूख कर दू, जो चाहूं तालीमात मंसूख कर दू, जो चाहूं जब चाहूं मैं नहीं ले आऊंगा, तो मुझे अपने मजहब का पीड़ा ना समझना कि मुझे अपना परिंदा बना रही है। और खुदा फिर ये भी बताता है मेरा अहद किसी के साथ है ही नहीं, मेरा अहद किसी के साथ नहीं है। अब बाकी रह गई कि ये बातें लोग कहते हैं जी आपका कुरान में जिक्र नहीं है, भाई मेरा तो इतना जिक्र है कुरान में, अगर तुम अंधों की तरह ना पढ़ो तो बाइबल में भी जिक्र है, तौरात में भी जिक्र है, और अगर ना भी होता तो खुदा का अख्तियार है वो जिसको चाहे चुने, क्या खुदा तुमसे पूछ के चुनेगा? भाई मैं उसको चुन रहा हूं ए मुल्ला मुफ्ती हो तुम बताओ कि चुनू कि ना चुनू। ये जो काफिर जिन्हें आप कहते हैं ना मक्का के, ये अपने वक्त के उलमा थे, इब्ने हशाम उलमा था जिसे आप अबू जहल कहते, वो यही जो कहते थे कि अगर खुदा ने ला नहीं था तो हमारे में से कोई चुन देता। जब आप ताइफ गए
तू यही तो कह रहे थे वो सरदार टाइप के, क्या तुझे ही चुनना था? इतने बड़े बड़े हैं, हमारे में भी चुनता, लेकिन खुदा की सुन्नत जो है वो ऐसे नहीं होती। खुदा वो है जो फरिश्ते भी नहीं देख सकते, दूसरी मखलूकात भी नहीं देख सकती, खुदा दिल के हालत को देखकर खुद चुनता है। वो चुनेगा। तो ये कह देना, ये भी गलत है, जो मैंने बड़ी मिसालें दी हैं कि नबी जो है वो नबी को नहीं चुन सकता, ये भी गलत है। बशारत दे सकता है, चुन नहीं सकता। अगर चुनने वाला नबी की ताकत होती तो तमाम फरासत, तमाम हिकमत मौजों के बाद अबू तालिब आखिरी वक्त तक उससे वाफ करते रहे, लेकिन वो ईमान लेके नहीं आया अबू तालिब थे, और अपने कुफर में मर गया। तो नबी तो अपने चचा को भी नहीं बचा सकता। तो अली ने फिर पूछा बाद में कि मेरे अब्बा जान ने कुफर के अंदर आपकी इतनी हमायत की थी, तो इन्हें क्या मिलेगा? तो मोहम्मद अजबी ने कहा इसी वजह से वो घुटनों तक जहन्नम के अंदर है, अगर मेरी हमायत ना करता तो यहां तक ऊपर तक वो अंधेरों में होता। तो प्यारे, नबी चुनना उससे फिर एक खास कौम की तरफ भेजना, फिर वो रसूल हो जाता है। नबी कई हो सकते हैं। देखना, आपने एक एप्लीकेशन दी, आप हकम कलामी कर रहे हैं खुदा से, आपकी क्वालिफिकेशन है नबी की, लेकिन रसूल जब होंगे, जब आपको जॉब की अपॉइंटमेंट मिलेगी, जब यानी कि आपको लगा दिया जाएगा, फिर आप रसूल हो गए, फिर उससे अगले दर्जे शुरू हो जाते हैं मसीह के, तो मसीह भी आते रहेंगे। पढ़ने किताबें गुलाम अहमद कादियान की, मेरे बाद चाहे 10,000 मसीह आए, इस वक्त का मसीह मैं हूं, ठीक है? तो ये तो किसी की मजाल ही नहीं है ना कि ये कह दें कि जी मैं बस यही रहेगा, और फिर मसीह के बाद फिर और दर्जात शुरू हो जाते हैं। जैसे खुदा ने मुझे कहा कि तू दुनिया का मसीह नहीं है, तू मसीह उस जमाना भी है, तेरी मिसाल दी जाएगी। फिर खुदा ने कहा कि मैंने तुझे अपना दिल बना के, मुराद ये है कि तू मेरे दिल की तर्जमानी करेगा। तो मेरी बस सबसे एक ही गुजारिश है, वो ये है कि जिंदगी का मकसद, जितने भी अंबिया आए उन्होंने रोशनी डाली है कि हम खुदा के हो जाए, खुदा के हो जाए, चाहे जिस नबी को देख ले कुरान के अंदर। यहां बस आपको एक और बात भी समझा लेता हूं कि शुरू के अंदर कहा गया है ईमान लेके आओ, ठीक है? अलिफ लाम मीम, मैं अल्लाह हूं, सारी कल किताब राह दिखाती है। किसे दिखाती है? हर किसी को ये राह भी नहीं दिखाती है। हुदल मुत्तकीन, शर्त लगा दी गई है पहले। मुत्तकी, मुत्तकी कौन होते हैं? जो मुस्बत अंदाज से खुदा की तलाश करते हैं, उनको राह दिखाती है ये किताब। फिर कहा, अब ईमान की बात हो रही है, ये भी समझा दूं, कहा जा रहा है फरिश्तों पे ईमान लाओ, खुदा पर ईमान लाओ, जनतों पे ईमान, आखिरत की जिंदगी पे ईमान लाओ, मौत के बाद ईमान लाओ, बिन देखे छत रख दी गई। अब 15 साल से ये मुल्ला मुफ्ती जाहिल जो है ये ईमान की दुनिया में ही घूम रहे। शुरू कुरान कहां से कर रहे हैं? ईमान लाओ। थोड़ा सा आप आगे सफर कर ले, थोड़ा सा आगे सफर किया आपने तो अजीब बात है, ईमान की शर्त को उठा रहा है, अल्लाह की जात ईमान की शर्त को उठा रही है। क्या कह रही है? थोड़ा सा सफर करें ना। अब इन चाइनों ने गधों की तरह किताबें अपने जैसे घरे लेके चलते ना किताबें, गधों को थोड़ी पता होता कि क्या लादा हुआ है।
सबर करो तो ईमान की शर्त को हटा दिया और हटाकर कहा कि ऐ प्यारे, अब जब तूने सफर कर ही लिया है तो आ मैं तुझे वो जो फल है जो तू आखिरत में चखेगा मैं तुझे दुनिया में ना चखा दूं। बड़ी बुशल हयात दुनिया वाल आखिरत, हम उन्हें दुनिया के अंदर ही जंतों की सैर करा देंगे, मुशाहिदा इलाही ही करा देंगे, इस दुनिया के अंदर ही मौत के बाद नहीं दुनिया के अंदर ही उन पर ये चीज जाहिर कर देंगे। दो जी ईमान का पर्दा हो गया, तो जब वो पहुंचेंगे जंतों में वो फल चखेंगे, कहेंगे ये फल तो हम दुनिया में चख चुके हैं। यहां सिर्फ वो क्या कहते हैं, जब आप किसी रेडी पर जाइए कहीं तो आप कहते हैं जरा टेस्ट कराइए, क्या कह रहे कहते हैं हाँ चूंगा वगैरह दिखाई तो सही, तो चूंगा यहां दे दिया टेस्ट करा दिया, तो वहां जब खाएंगे वहां हद नहीं होगी, कहेंगे वो ये तो हम टेस्ट पहले खा चुके हैं। तो भाई ईमान कहाँ गया आपका, आप सारी जिंदगी ईमान पे मेरे से जगा जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा सफर कर ले। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि कुरान का थोड़ा थोड़ा सफर करके आपको मैं इस तरफ लाना चाहता हूँ, हमारी तालीमात क्या है, ताकि हमारी तालीमात को फिर समझने के लिए, खुदा की साथ को जानने के लिए, ये कोई सुआ नहर नहीं है, यहाँ पैर टिक जाएंगे, ये दरिया नहीं बल्कि समुंदर है। यहाँ पे फिर मोती जो है, कभी मोती आपने सतह पे देखे समुंदर में नहीं। मोती वो गहरे उसमें जाके, यहाँ मासूमत इलाही के राजों की फिर आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ, ताकि आप चलते चलते इस दुनिया से भी पता नहीं कहाँ निकल जाए और फिर वापस भी ना आ पाए, और अगर वापस आना भी चाहे तो नहीं आ सकते, कि मैं खुद को भी फिर खुद से ढूंढ ना पाऊं, इस आतिशी सोजां से मेरी राख जला दे। तो एक ही वक्त फिर थोड़ा सा सफर कर ले कुरान का, वो कहता है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब तुम फल भी चखा दिए, ईमान से पर्दा भी हटा दिया, अब तुम हमें, अब हम तुम्हें खौफ और गम से निजात देंगे। सबसे बड़ा बुत जो है इस दुनिया के अंदर खौफ का है, मैं ईमान लाया तो मेरी खानदान छुट जाएगा, मेरी फैमिली छुट जाएगी, मेरा फलां छूट जाएगा, इस खौफ के बुत से आपको निजात दे देते थे। फिर कहता है तुम्हें गम से भी निजात दे देंगे, जो कुछ तुमने खोया है हम नया बना देंगे। वो कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो इस सफर का आना जाना ही रहेगा आपका जंतों के अंदर, कहने वाले क्या कहेंगे। तो इस तरफ से भी आगे चले, जब यहां से निकाल दिया, फिर आप वो तालीमात बता रही है, यहां पे आके तालीमात कुरान की खत्म हो जाती है, उससे आगे की जो तालीमात है वो बताया गया है, उस जमाने को जब मेरी दुनिया आएगी तो वो सुबह का सितारा बताएगा। बस आखिरी तालीम ये है कि खुदा की साथ फिर उसके पुकारती है, पुकार के कहती है, ये चार तालीमें आपके सामने पेश कर दी ना, एक ईमान की, एक फल चखाने की, यहां पे ईमान उठ गया, फिर खौफ और गम से निकाल के जंतों में बचा दिया, फिर चौथी तालीम पेश करके फिर हम आते हैं जो दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर, ठीक है, फिर आपको लेके आएंगे समुंदर की तरफ। तो चौथी तालीम पर आकर कुरान कहता है ऐ नफ्से आदम याफ्ता, अब खुदा खुद आवाज दे रहा है, अर्जी इला रब्बी की, मेरी तरफ आ रहा है। ये मिलन कैसा है इसको भी समझा दीजिए, कैसा मिलन है,
वैसे तो कहा ना राजी है, तुम मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, नहीं, ये मिलन क्या है, इस संगम पर जब आप मिलते हैं राजी, खुदा तुमसे राजी, तुम खुदा से राजी, तो आपकी खाली सोच फिक्र अल्लाह की हो जाए। नंबर एक, आपका शऊर जंतों से निकलकर जहानों में कहीं और चल प्रवास कर रहा होता है। आपके जमीर की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि उस रोशनी को फरिश्ते भी नहीं परख सकते, वो निकल जाएगा, फरिश्ते देखते रह जाएंगे उस नूर को। बल्कि जिस जमीर की रोशनी अगर तेज हो जाए तो फरिश्ते आके आपसे हाथ मिलाएंगे, सलाम करेंगे और कहेंगे आपको हम जंतों में और राजी इलाही बताना चाहते हैं, आप चलिए हमारे साथ, मैं राजी मर्जी की वो तशरीह कर रहा हूं। फिर इसी मुकाम, इसी हालत में आके, ये भी मुकामात है, फिर हाल शुरू हो जाएगा ये जान ले कि दिल जो है वो मुकाम नहीं, ये हाल दिल है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है जहां खुदा की जात अपना तख्त लगाए और जलवा गिर हो वो मुकाम हो, ये कैसे हो सकता है? मुकामात खुदा के तो कोई मुकामात नहीं है। तो जब दिल में वो अपना जलवा आश्कार करता है तो ये हाल हो जाता है, ये फनानी होती है, बका बन जाती है, एक नई आपको वो एक नई शख्सियत, नया हुसन, नया सब कुछ बना देता है। तो फिर ये दिल की दुनिया जो है ये रोशन हो जाती है। तो मैं आपको ये मुकामात से गुजार रहा हूं। फिर रूह के मामलात है, रूह के मामलात क्या है, आपने मोहब्बत की किसी से तो हो, शायद बेबी से मोहब्बत हो, लेकिन ये कि मुताबक भी हो जाए, हारमोनी भी हो जाए, जैसा खुदा चाहे वैसी, हर हफ्ते के बाद तीन दिन झगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है कि नहीं? खुदा कहता है कि जब मैं आ जाता हूं तो हारमोनी शुरू हो जाती है, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, सब झगड़े वगैरह खत्म हो गए, क्योंकि खुदा की जात जहां भी आएगी, बीवी और मर्द के दरमियान आएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सोसाइटी के दरमियान आएगी, यही तो है जिसके मुताबिक खुदा कह रहा है, ए मोहम्मद हमें वादा खिलाफ ना समझ, हम वो जनते जाहिर करते हैं जब वो वक्त आएगा। तो देखने हमारे हजारों मानने वालों ने खुदा भी देख लिया, मुशाहिदा इलाही भी कर लिया, सफर भी कर रहे हैं, और पहली दफा जब से ये इंसानियत बनी है 19 अंबिया हमारे इस एक खानदान, इंसानियत का एक खानदान है, इसमें 19 अंबिया है। कोई मिसाल तो दे किसी नबी की, क्योंकि किसी नबी के जमाने में 3 नबी थे, अगर थे तो एक ने 2 को मार दिया होगा, तो बात जो है वो बड़ी कड़वी हो जाती है बाज़ूकात। अब जमाते एमजे कहती है हमारा जिंदा ताल्लुक है खुदा से, अगर जिंदा ताल्लुक है तो फिर तो अंबिया आने चाहिए। आप गौर करें, मैं एक मिसाल दे देता हूं, इमाम साहब यहां पे हैं, सारी जिंदगी अहमियत को दी, सारी जिंदगी अपने एरिया के गांव के सदर भी बने रहे, सारा जीवन दे दिया, लेकिन खुदा यहां पे आके देगा, खुदा यहां पे आके देखा, और जितना भी सुना था उसको सुनी सुनाई बातें थी कि ये शख्स नबियों को खत्म करने वाला, फलां चीजें खत्म करने वाला, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें 12 साल पहले मुलाकात जब मैं दीसनबाग में बोल रहा था, सुनाई ना मैं, समझ नहीं आई। 12 साल के बाद खुदा ने फिर बुढ़ापे के अंदर जाने से पहले ही कि ये देख ले, यही है जहां पे खुदा मिलता है। तो भाई मैं आपकी, मेरी अर्जी है, मैं अहमियत में तो अहमियत में ही रहे, इस्लाम में तो इस्लाम में है, हम आपका
कुछ नहीं बिगाड़े, हम कह रहे हैं आगे आके जरा खुदा को मिलिए। खुदा को मिल लिया तो दुनिया बदल जाएगी आपकी। और ये ऐलान भी मैंने किया है, क्योंकि मोहम्मद अरबी ने भी कहा कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा अपना ठिकाना जानने में करते हैं, ठीक है। मैं ही ऐलान किया कि मोहम्मद साहब ने इस मिसाल के तहत ऐद दे दिया है कि अब मैं खुदा के लिए और खुदा का जो जमाना आ रहा है उसके लिए काम करूंगा। वो ऐद मैंने जमात गुलाम अहमद कादियान का सुना दिया है, जमात अहमदिया को भी वो वीडियो बना के हमने पेश कर दी है। उसके अंदर ये जो महमूद बेटे हैं वो भी ईमान ले आए, मिर्जा ताहिर साहब को बुलाया वो भी ईमान लेके आए। ये बातें मैं इस वक्त बता रहा हूँ, ये बातें मौत के बाद आप देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सत्ता ही आ जाए कि वो ये क्या हो गया, ये शख्स तो सही कह रहा था, तो फिर क्या बनेगा। तो हम किसी की कोई दुकानदारी खराब नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जितने भी अंबिया आए वो रास्ता है, वो बता रहे हैं कि मंजिल पे पहुंचो। मंजिल खुदा की जात है। तो अगर हमने किसी को खुदा से मिला दिया, ये ऐवान साहब है बुढ़ापे में मिल ली है, हमने इनका इनकी आखिर का ठिकाना भी बता दिया, तो देख लो कहीं ये ना कहना कि मौत के बाद मैं जाऊंगा कहा, वो भी बता दिया। तो ये जो वक्त है ये वही वक्त है, कुरान कहता है कि जमीन के वारिस इबादत सालीन होंगे। अब इबादत सालीन है क्या, पहले ये तो समझ लो, इबादत एक दरख्त है और मोहब्बत इलाही उसका फल है। अब मोहब्बत इलाही फल ही ना हो तो हम उस दरख्त का क्या करेंगे। हिंदू कहते हैं ना प्रस्तिश पूजा पाठ, प्रस्तिश किसी का हो जाना, तो वो ना होंगे जमीन के वारिस जो अपना फल ले आएंगे और मोहब्बत इलाही में जिंदा ताल्लुक होगा। ये लोगों के मुतल्लिक है, अंजील से सुन ले, वो कहता है कि ईसा तुम उसे उसके फलों से पहचानोगे। वो फल क्या होंगे कि उसको उन फलों को उस मार्फत इलाही जो तालीमात देगा उससे खुदा की दुनिया आ जाएगी और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भाई तो झगड़ा नबियों का कहेगा, हमने नबियों ने कोई मिराज तो नहीं बांध दी एक दूसरे से, हमारे जमीन पे कोई झगड़े है। तो मैं तो बहुत ही इब्तदा से गुलाम अहमद कादियान से मुलाकात हुई, मैंने सफेद लिबास में देखा, जनतों में मुलाकात हुई, तो खुदा ने दिखा दिया, हमने मान लिया कि खुदा के नबी है, खुदा के रसूल है, झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन खुदा के बंदो इससे आगे आओ, सारी जिंदगी तुमने इस मजहब के भवनों में नहीं गुजारनी। आप देख ले मजहब, किसी अरबी से पूछ ले दीन क्या है, वो आपको रास्ता कहेगा। आप सारी जिंदगी रस्तों में घूम रहे हैं, या इस जिंदगी की मंजिल पे भी पहुंच लेंगे, ये मंजिल खुदा की साथ है। चलो यहां तक तो बातें हो गई, मैंने कहा था कि मैं गज़वा हिंद के मुतालिक बताऊंगा, यही बात की थी मैंने, गज़वा हिंद बिल्कुल, गज़वा हिंद के मुतालिक जिसने ये बिशारत ये कहा था कि गज़वा हिंद होगा इस्लाम गालिब हो जाएगा, ये कौन है, ये मोहम्मद अरबी है। अब गज़वा हिंद कई जंगें हो चुकी है, तो गलबा तो कहीं भी नहीं है। उमर जो थे वो तलवार लेके इसलिए खड़े हो गए कि जो ये कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया मैं उसका सतन से जुदा कर लूंगा। भाई क्यों,
वो इसलिए गलबा इस्लाम तो हुआ ही नहीं अभी, पूरे दिनों पे गलबा दे देगा, फिर हजूर जाएंगे। अबू बकर गए हुए थे किसी गांव में, अबुआ का गांव था, कोई 3 किलोमीटर का होगा। वापस आए तो ये खड़ा हुआ है उमर फारूक, आपने कुछ वचन नहीं की इसकी तरफ, सीधे हुजरे में गए, चादर उठाई, देखा मोहम्मद रसूल जो है वो वफात पा चुके हैं। आपने पहली बात जो कही वो ये कही कि अल्लाह आप पे दो मौतें वारंट नहीं करेगा, एक जिस्म भी मर जाए और पैगाम भी खत्म हो जाए, ये नहीं होगा। फिर बाहर आए और लोगों को कहा इधर इधर आ जाओ, वो फिर भी नहीं आए, तो फिर आपने वार शुरू किया। जो मोहम्मद की पूजा पाठ वार कर इबादत करता था उसका खुदा मर गया, वो पड़ा हुआ है उजरे के अंदर। क्या बात, एक तारीख की बात, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता था वो हमेशा जिंदा है, उससे मौत वारद नहीं होती। हर चीज ने मौत का जायका चखना है, कोई नहीं कि जो जिंदा आसमान पे बिठा दिया जाए। यही तो जाहिलाना हरकतें हैं। ये हरकतें कहां से शुरू हुई आसमान पे बिठाने की, यहूदियों से। उन्होंने अदाया को बिठाया हुआ था आसमान के ऊपर, जो आसमान से उतरेगा वो तो नहीं उतरा, मसीह आ गया। वो आज भी रोते हैं, गिरिया करते हैं दीवारें गिरिया पे के, ए अदाया तू आप तो मसीह आए, कितना अंधापन है। 2000 साल हो गए अभी तक मसीह नहीं आया उनका, ये अंधापन यहूदियों से शुरू हुआ। फिर ईसाइयों ने इसको हवा दी कि आसमानों से आएगा ईसा, अब ये फितना इस्लाम के अंदर बैठा हुआ है। ठीक, मतलब यही है मसीह और इमाम मेहदी के मतलब कि वो आसमान से उतरेगा तो 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के उतरेगा। अब ये देख रहे हैं कि वो उतरे तो 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखे हो गए उतरे, लेकिन मजमून कुछ और बता रहा है। मुराद ये है कि अल्लाह की और फरिश्तों की मदद उसको मिलेगी, ये मुराद है। अब ये अंधे देख ये चाहते हैं कि आसमान पे मसीह ने 2 फरिश्तों के हाथ पे कंधों पे हाथ रखे और जमीन पे उतरे, फिर मानेंगे जाहिल। फिर ये कि उसके बालों से पानी गिर रहा होगा, मजमून ये है कि वो अल्लाह की मोहब्बत की शराब के वजह में होगा, वजदी अंदाज होगा उसका, वो सारा मजमून ही तफसीली है। जाहिलो, पहले यहूदियों ने ये काम किए, फिर ईसाइयों ने, अब ये इस कामों का ठेका मुसलमानों ने लिया हुआ है कि वो आसमानों में बैठा है। तो ये गलत तालीमात, गलत अकायद, हमें इन्हें छोड़ देने चाहिए और अपना काबा दुरुस्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काबा, हमारा काबा क्या है? हमारा काबा है जी हमारा दिल। हाँ जी, अपने दिल को जरा, अपनी काबे की सिमत को जरा खुदा की तरफ करना, तो ताकि तुझ पे मुशाहिदे इलाही हो और तू अंधा ना रहे और रूहानियत की दुनिया में दाखिल हो जाए। भाई क्या काम आएगा तेरे, अगर तू सारी दुनिया भी ले ले, हजारों मकानात बना जाए, शोहरत पा जाए, सब कुछ पा जाए, क्या काम आएगा तेरे अगर मौत के वक्त जब ये नजर आएगा कि तुमने सब कुछ खो दिया, क्या काम आएगा? सब कुछ हासिल कर ले और अपनी रूह का नुकसान कर ले। जिंदगी का मकसद तो ये था, इस सफर के अंदर खुदा का नूर पाता अपनी रूह के अंदर, ताकि तेरा आखिरत का सफर आसान हो जाता। नूर तो पाए नहीं तूने, सुन मत अंधेरे पा रही है, ये क्या काम आएगा? और जिसकी हमने सारी जिंदगी गुजार दी, मौत आई, क्योंकि जमा तो यहां की है ना, चाहे मुसलमान हो कोई भी, अरवा हो, पीछे मुड़ मुड़ के देखती है
क्योंकि जहां तेरा मान होगा वहां तेरा दिल होगा। तो पीछे मुड़ मुड़ के देखती है। अब ये मौत के वक्त ये दुनिया पत्थर ढोने की शक्ति है। अब तीर निकलता है कमान से और रूह देखती है जिस दुनिया के लिए मैंने फिक्रों में सब कुछ गुजार दिया वो तो मुझसे खिसकी जा रही है, मेरी हुई नहीं, जिसके लिए मैं जमा क्षमा करके गया वो तो पीछे जा रही है। और रूह परेशान हो जाती है, उस पर खौफ तारी होता है कि मैं कहाँ जा रही हूं, अपना पता कराओ। फिर अपनी रूह को देखती है वहां तो अंधेरे, समझती है कि कोई भूत होगा, वो भूत नहीं है, वो तू ही है। फिर जब वो लगती है दोस्तों में, दोस्तों से मुराद जहां मौत नहीं है तकलीफ ही तकलीफ है, फिर पता लगता है कि थाक पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा तुझे। तो अब आते हैं वो गलबाए हिंद की तरफ कि गलबाए इस्लाम क्या है। अगर गलबाए इस्लाम से मुराद आपने इस्लाम का गलबा लिया हुआ है तो यहूदियों की तरह ठोकर लग गई आपको। गलबाए ईसाइत समझती है वो गाली बाज जाएंगे, ईसाइत उन्हें भी ठोकर लग गई। तो हमें मजमून देखना होगा गलबाए इस्लाम से मुराद क्या है, उस मजमून की तरफ आना होगा। गलबाए हिंद जो है इसके फैलाने के अंदर इस्लाम को सबसे ज्यादा जो किरदार अदा किया है ये सूफिया अल्लाह ने किया है। प्यार मोहब्बत नमूना दिखाकर ख्वाजा मुहिद्दीन चश्ती, निजामुद्दीन औलिया, दादा लीजिए तो खैर पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान ही था, इन औलिया अल्लाह ने ये किरदार अदा किया। इसलिए आज भी हिंदू भी जाते हैं, सिंध भी जाते हैं, हर मजहब का लोग जाते हैं ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती के मजार के ऊपर। और उस वक्त बड़ी ही बात थी, पहले तो ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती पे भी कुफर का इल्जाम लगाओ ना, क्योंकि उन्होंने अपना कलमा भी बनाया हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। पढ़ा आपने तरीकों में महमद रसूलुल्लाह नहीं चिश्ती रसूलुल्लाह। और हमारे ये बरसा भाई में एक वक्त इधर भी आएगा, वो खलीफा का भी दिखा दिया गया, वो कलमा क्या होगा ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। वो कहेंगे भी नाम तो हजूर का ही है, हजूर के 10 नाम थे तो हमने अगर अहमद कर दिया तो क्या हो गया, ठीक है नहीं। वो क्या कहते हैं जी अजान एक ही है दुकानें बदलेंगे। तो हमने दुकानें बदलते नहीं देखना, हमने काम देखना है। गज़वाए हिंद से मुराद ये है, अब ये हमारे नबी है अपना सूरज साहेब, इन्होंने भी देखा समझ नहीं सके, तो पता लगा कि नबी भी सारी मार्फतें लाई नहीं समझ सकता। तो गज़वाए हिंद से मुराद ये है कि इसी हिंद के अंदर, इसी एशिया के अंदर एक वक्त आएगा कि वो लोग आएंगे जो खुदा से मोहब्बत करने वाले होंगे, ये दौर आएगा गज़वाए हिंद का। ये मैं थोड़ी सी बता देता हूँ गज़वाए हिंद की। आपको याद है कि मोहम्मद अरबी ने कहा था छोटे छोटे गज़वे खत्म हो गए, बड़ा गज़वा शुरू हो गया, याद है आपको किसी? जी जी। तो पूछा गया कि ये जो लड़ाइयां मार कटाइयां की हमने खून आलूदा कर दी तलवारें, ये छोटा जहाज कहाँ है? ये छोटा जहाज ये खत्म हो गया, बड़ा जहाज शुरू होगा। तो बड़ा जहाज ये होगा अपने नफ्स का जहाज, देखा ये बड़ा जहाज है। तो गज़वाए हिंद की तरफ जो इशारा किया जा रहा है वो इशारा किया जा रहा है जो एशिया का बड़ा जहाज होगा वो क्या होगा, गज़वाए हिंद।
ये मुसलमान सोच के बैठे हुए हैं अभी हमने एटम बम चलाने हैं भाई, वो हिंदुस्तान के पास जो पड़े हुए एटम बम वो उन्होंने संभाल के रखने हैं। उन्होंने फेंके तो एशिया में से कोई भी नजर नहीं आएगा, काला घड़ा ही घड़ा हो जाएगा, पूरा एशिया गया कि हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे, खत्म ही हो जाएगी बात सारी। तो जाहिलों का गलबा इस किस्म का ही होता है। तो बड़ा जहाज शुरू हो जाएगा वो क्या होगा, वो नफ का जहाज होगा। पढ़ लेना कुरान ये अपना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व अब्तगू इलैहिल वसीला, वो चाहे तो उसमें सभी नहीं जहाद करो और खुदा के वसीले तलाश करो ताकि तुम मंजिल पा जाओ। ये मार्फत इलाही, ये नफ का जहाद वो होगा। ये मैं आपको बता दूं, माने ना माने ये हर शख्स की अपनी बात है, हम किसी को मजबूर भी नहीं कर रहे। हमारी तालीमात जो है एक वक्त में आके हिंद में पहुंचेगी, और सूफिया से मुराद ये है, सूफिया खुद ही कहते हैं हमारी जिंदगी का खुलासा अल्लाह की जात है, खुदा की जात है। तो सूफियाना दौर तो शुरू होगा हिंद के अंदर, लेकिन सूरज साहब को दिखाया कि उसके बाद सूफियाना मोहब्बत का जो दौर होगा वो फिर अंबिया आना शुरू हो जाएगी। भाई खुदा ने इसे कोई ऐसा तो नहीं किया हुआ कि मैं नबी बस यहीं से भेजूंगा। तो अंबिया का दौर जब शुरू होगा एशिया के अंदर, तो एशिया का जो सबसे बड़ा गजबा होगा वो ये होगा, वमा कदर अल्लाह हक्का कदर ही, खुदा के कदर कीमत और उसके नूर को पहचान देगा एशिया। खुदा के नूर से जमीन रोशन हो जाएगी, इंसान खुदा की कदर कीमत नहीं पहचानी। उसका मैंने जिक्र अपनी किताबों में किया है जो खुदा ने मुझे बताया है, लेकिन अब पढ़ाना मेरा काम नहीं है, पढ़ना आपका काम है, क्योंकि खुदा आपका भी है कि सिर्फ मेरा ही है। ठीक है जी, कहीं ये समझे कि जी ये खुदा तो साहिब साहब का ही होगा, नहीं। लेकिन आपका कोई बच्चा घूम जाए, मेरा सोचे तो कोई झूठ मूठ भी आगे कह रहे कि आपके बच्चे को मैंने वहां देखा है, आप उसपे यकीन करेंगे या इनकार कर देंगे? मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बोले, झूठ कहेंगे तो झूठ बोलता है या मानेंगे? लेकिन उन्होंने भाई मैंने आपका बच्चा देखा है फलां जगह पर, आप भागे भागे जाएंगे, अगर गाड़ी नहीं हुई तो पैदल ही जाएंगे। और इधर आवाज दे रहा है कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं, ये जुई नहीं देंगी इन दुकानों पर। मैं बता रहा हूं कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे खालिक से मिला देता हूं, तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाए, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, सारे झगड़े खत्म करा देता हूं तुम्हारे। तो कोई शख्स एमडी हो, मुसलमान हो, किसी मजहब से हो, खुदा से मिल लिया तो उसके तो 14 तबक रोशन हो जाएगी। देखिए ना आप, एक मकान है उसकी कई खिड़की है, हर खिड़की से इस्लाम कह रहा है आओ आसमान हमारी खिड़की से देखो, ईसाई कह रही है खिड़की से हमारी खिड़की से देखो, सब मतलब बुला रहे हैं। और कुरान भी कह रहा है कि छोटे बड़े हमने इलामी रास्ते बनाए ताकि तुम अपनी मंजिल पा जाओ, छोटे बड़े। अब ये कह रहे हैं, अब इन्होंने क्या जिद लगाई हुई है, ये कहते हैं कि ये जो आसमान नजर आ रहा है हमारी खिड़की से बस इतना ही है, ये आने दुआले जो है ये वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं फ्रेम, हद है आसमान की। अब अगर हम किसी को मिला देते हैं खुदा से, वो सही है जरूर निकल के खेड़ी से पहुंची आसमान के ऊपर प्रवास की, वो तो देखेगी कि आसमान के इर्द गिर्द तो कोई खिड़की ही है, आसमान की खिड़की तो है। तो वो यही तो कह रहा है कुरान हमारे मुताबिक, वो सुबह का सितारा जब आएगा, माफ कर अल्लाह
तुझे क्या खबर, वो आसमानों के चाहनों की हदें खत्म कर देगा, इसलिए उसे सुबह का सितारा कहा गया है। तो फिर जब हम कलामी होगी खुदा के साथ और वो शख्स बताए भाई आसमान की तो कोई खिड़की नहीं है, तूने ये क्या ड्रामाबाजी करके बैठा हुआ है, तो बस उसके बाद ना वो अहमदी रहेगा ना यहूदी ना ईसाई। इसलिए हमारी मानने वालों में सभी है, हिंदू भी है सिंह भी है, हमने कहा हमारी तकरार कोई नहीं है, अगर अपने नबियों से प्यार करते हो करते रहो, लेकिन साथ साथ वो मोहम्मद अरबी का जो हदीस है उसको भी याद रखना, अल्लाह लानत करे यहूदियों नसारियों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना रखा। दो जी लानत हो रही है यहूदियों पर लानत की और नसारियों पर। मैं कहता हूं अल्लाह का रसूल खुदा का दिल सबसे बड़ी लानत जो है ये मुसलमानों में पड़ी है, सजदा गाह बना डाला, पीरों की दरगाह बना डाला, आपको सब कुछ पता ही होगा, वहां जा जाके मांगते हैं। तो सबसे बड़ी लानत तो इनके इनके नबी ने इनके मजहब ही डाल दी, इस्लाम के 72 फिरके हो जाएंगे, पूरे इस्लाम के 72 फिरके बताए जा रहे हैं, सबके सब नारी होंगे जानवी होंगे। अब वो बैठ चल रही है कि उनमें से एक जंती होगा, ये बहस है। और हर फिरका यही समझता, मैं यही सवाल मोहम्मद अरबी से किया था उस वक्त कि वो जनती से कहेगी कि क्या अलामत होंगी, तो मोहम्मद अरबी ने कहा तो मेरा हाल है उनका हाल होगा, उन पे भी मुसीबतें उठेंगी, उन पे भी उनके ही बुरे हाल होंगे। लेकिन इतना याद रखो जो मैं नई बात कह रहा हूं, मजहब खुदा की दुनिया नहीं ला सकता, मजहब खुदा की दुनिया नहीं ला सकता, क्योंकि रास्ता है। मजहब शुरू करने वाला कौन है ये मैं पहली दफा बता रहा हूं, ये फरिश्ते हैं जिब्राइल मिकाइल, इन्होंने मजहब शुरू किए हैं, इससे आगे खुदा की दुनिया शुरू हो जाती है। जो खुदा कह रहा है कि नया आसमान होगा नई जमीन होगी, अब इनको इनको ये भी समझाना पड़ेगा भाई वो नया आसमान क्या होगा, मुराद ये वो अल्लाह की मंशा पूरी हो जाएगी, नई जमीन क्या होगी। ओ भाई जमीन तो बड़ी हसीन है खूबसूरत है, पहाड़ है वादियां हैं झीले हैं पानी है कैसे कैसे नजारे हैं, वो जमीन तबाह नहीं होगी जाहिलो, नई जमीन होगी, नया इंसान होगा जिसका जिंदा ताल्लुक खुदा से होगा, और जमीन के वारिश चाहे इबादत सालिहीन हो या वो खुदा से मोहब्बत करने वाले हो, फल वही होगा जो मैं कह रहा हूं मोहब्बत इलाही हो। तो हमने खुदा पर आंख रखनी है या अपने नबियों पे रखनी है, अगर हमने अपने नबियों पे आंख रखनी है तो वो तो लानत कर गए अपनी उम्मतों के ऊपर, तो हमने इन कामों से बाजा जाना है। तो आज ये बरसा भी है, मैं अहमदियत हमारे कई अहमदियत के दोस्त भी हैं यहाँ पर, तो उनसे भी पूछ लें ये हमारे कि भी क्या आपने यहाँ के क्या देखा, वो बता देंगे आपको कि क्या देखा, हम अकेले नहीं निकालेंगे, हम गुलामों की तरह के ये वो ये बातें जो है आने वाला जो है वो अपने फल बेचता है, वो दूसरों के फलों पे कीड़े नहीं खाता, वो फल बेचता है या खुदा उसको हुक्म करे कि ये बात खोलनी है तो उसे खोलनी पड़ेगी। जैसे खुदा ने कहा कि तू बता कि ईसा का बाप ज़करिया है तो बात खोलनी पड़ेगी, ईसा इब्ने मरियम नहीं ईसा इब्ने ज़करिया है। तो फिर जब खुदा ने बताया फिर फरिश्तों ने बताया फिर ईसा ने जनतों में खुद बताया ज़करिया ने बताया बीबी मरियम ने, तो बात गवाहों के साथ साबित हो गई। उस वक्त अगर बता देते मां भी मारी जाती बच्चा भी मारा जाता, अब बात समझ नहीं आ जाएगी एमपीओ के कि आसमान पे शादियां कैसे होती है। जिब्राइल ने कहा ना जाके कि खुदा ने तेरी तेरा
आसमानों पे निकाह किया है मरियम के साथ। बात समझ भी आ गई? अच्छा वहां तो हो गया, लेकिन वो बाद में वो रात जब बताया जकरिया ने, उसे वहां पे कत्ल किया जहां पे ये अपने मेंढे बैल बैल बकरे कत्ल करते थे सबत के दिनों में। जकरिया को वहां पे कत्ल किया, ठीक है। गुलाम अहमद कादियान ने नहीं कहा था कि मोहम्मद बेगम से मेरा निकाह हुआ? इन अंधों को नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा इन्होंने क्या किया कि पीछे पड़ गए ये जाहिल मुफ्ती मौलवी ये जितने भी हैं, और कहीं ना कहीं उसकी निकाह कहीं शादी कहीं और करा दी। तो लेकिन आसमान पे तो निकाह उससे हुआ था भाई, मैं नबी हूं, मैंने देख लिया। अगर नहीं हुआ जमीन पे तो ये जुर्म से भरी पड़ी है, शैतानों से भरी पड़ी है। तो खुदा ने ये भी तो कहा कि नया आसमान नई जमीन आएगी, वो क्यों नहीं आए अभी तक? तो जो आसमानों पे बातें होती है उसके लिए बड़ा वक्त लग जाता है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा मजमून है, तो मैं हिंद के गजबे की तरफ आ रहा हूं। तो जन्नत में मोहम्मद साहब भी बैठे हुए थे, मोहम्मद अरबी भी, दूसरे अंबिया फरिश्ते भी। तो वहां पता लगा कि गजवा हिंद जो है, यहां से चमकार और नूर निकलेगा मार्फत इलाही का, जो दुनिया को रोशन करेगा। ये गजवा हिंद है, वो हिंदुओं को नीचे मुसलमानों को ऊपर नहीं करेगा। कभी आप गौर कर लें, अगर कहेंगे कि इस्लाम हार नहीं पाएगा तो धोखा हो गया यहूदियों की तरह, क्योंकि इस्लाम से मुराद जो है वो फर्माबद्दारी है। क्या है? फर्माबद्दार हो गए खुदा के, उसके आगे की मंजिल क्या है? अल्लाह की मंशा पे चल निकले। उससे आगे की मंजिल क्या है? खुदा ने जो वादे किए वो पूरे हो जाएंगे। तो गज़वा हिंद से मुराद ये है कि नई तालीमात आएंगी जो मजहब के झगड़े को भी खत्म कर देंगी। भाई हम ठेकेदार हैं, अगर खुदा कहता है, जब मुझ पे 5 हमले इसीलिए तो हुए मुझे, मैंने कहा कि मजाहब की दुनिया खत्म हो गई, सारे ही मेरे खिलाफ हो गए। लो जी ये तो हमारे मोहम्मद रसूल अल्लाह के खिलाफ हो गया इसने हमारा, ये तो भाई मैं कौन होता हूं? मुझे जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूल अल्लाह से है उतनी तो शायद तुम्हें भी ना हो, लेकिन मैं खुदा की बात सुनूंगा या मोहम्मद साहब की बात मानूंगा? गौर कर लेना, खुदा ने कहा मजहब की मजाहिद की दुनिया, ईसाइत हो। जब मैंने पहले तो बड़े खुश हुए ये ईसाई, देखो मुसलमानों के खिलाफ एक किताब लिख दी, फिर जब इनके खिलाफ लिखी फिर जाके फिर मेरे खिलाफ हो गया, तो तुम मुझे लेकर जाने लगे कि हमारे नबी के खिलाफ भी। और भाई मैं किसी नबी के खिलाफ किताब नहीं लिख रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं जो खुदा ने बयान की है। तुम अपने नबियों को खुदा का दर्जा क्यों देते हो जबकि तुम्हारे नबी खुद ही कहते हैं हम बशर हैं? तो बशर से तो गलतियां होती रहती है, बशर हिकमत के पैगाम भी समझने में गलतियां हो जाती है, इसीलिए तो दर्जात है। यानी कि हर नबी अपने नूरे इलाही की, जितना नूर उसके पास हो उसकी रोशनी में बयान करता है। इतनी जाती गलती हो जाती है अंबिया से। एक शख्स आया, वो मुसलमान था, बड़ा बातूनी था, उसने अपना मुकदमा जितवा लिया, मोहम्मद अरबी ने उसके यहूदी के खिलाफ फैसला दे दिया। जब काफी दिन गुजरे तो जब इजाइल ने बताया ये धोखा दे गया, आपने उस मुसलमान को वापस बुलाया, उसने कहा तूने मुझे धोखा दे दिया, मैं भी बशर हूं, गलत फैसले हमारे से भी हो सकते हैं, लेकिन तूने आग का टुकड़ा अपने पेट में रख लिया है, या तो निकाल दे इसे वरना ये हमेशा के लिए तेरे साथ जाएगा, जलती आग बनेगा। तो मैं अगर ये कहूं कि मैं कामिल हूं तो सबसे बड़ी गलती मैंने यहां पर किया। ये सफर है, ये सफर इस दुनिया में खत्म नहीं होगा,
ये जो नूर आपको मिलेगा खुदा की मोहब्बत इलाही में, ये सफर आपका शुरू होगा जन्नत में। वो नूर आपके आगे आगे जहां भी आप पहुंच रहे होंगे वो नूर बतारा होगा, ये खुदाई रूह है, इसका रास्ता छोड़ो। फ्रिक्शन पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो दाएं का नूर जो है वो आपका पासपोर्ट बता रहा होगा। क्या कहते हैं उस पासपोर्ट को? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक वीआईपी। देख नहीं रहा इसका नूर, इसको इजाजत की कहां है जरूरत है? बस आप हर जनतों के अंदर पहुंचेंगे, उन जनतों में आपकी सुबह शाम आपको खुराक मिलेगी। मुराद ये नहीं कि आपके लिए बकरे जिबा किए जाएंगे, मूंडे जिबा किए जाएंगे, नहीं 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 नहीं, सुबह शाम रूह को गिजा मिलेगी मार्फत इलाही की। बस वो मार्फत इलाही को अपनी रूह में बसाते हुए जब आपको और नूर मिलेगा, तो फिर आपको अगली जनते नजर आएंगी जिनका नूर आपकी जन्नत से ज्यादा होगा। फिर आपका सफर शुरू हो जाएगा अगली जनतों में। बस ये सिलसिला चलता 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 जहां पे खत्म होगा वहां इब्तिदा होगी आपकी खुदा के साथ। इसे कहा गया असल क्या? अब इनको ये भी बताया जाए कि क्यामत एक नहीं है, क्यामत चार और पांच है। पहली क्यामत जो है वो तो आपके शुरू हो जाती है मौत के बाद, फिर रूह की दुनिया में क्यामत है, यहां से आने से पहले क्यामत थी। हर क्यामत से मुराद ये है कि नई जिंदगी शुरू हो जाती है। तो गजवाए हिंद से बताया जा रहा है 80 साल में, इस गजवाए हिंद में जब खुदा की तालीमात पहुंचेगी तो ये सबसे बड़ा जहाद होगा। होगा ये कि एशिया में उन तालीमात को पढ़कर लोग खुदा से मिलना शुरू कर देंगे। क्या ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? बेशक हो रहा कि नहीं हो रहा? एशिया में लोग तो मुझसे साथी तौर पे मिले भी नहीं, लेकिन खुदा से मिल लिए, हमारा काम हो गया। तो जमीन जो है खुदा के नूर से रोशन हो जाएगी। मुराद यही है कि जमीन अभ्यास से भर जाएगी, तो गुस्सा कहेगा भी नफरत कहेगी। खुदा कह रहा कि मेरे नूर से जमीन रोशन हो जाएगी, तो सारे ही खुदा वाले हो जाएंगे तो हमें तकलीफ आएगी। हाँ जी, अगर सारे ही हम कलामी करें तक खुदा के साथ तो तुम्हें तो कहेगी तकलीफ है जी। ये समझते हैं जाहिल हमारे नबियों के मुकामात गिर जाएंगे। ये अजीब सी बात है। या एक और वाक्य भी जो बड़ा अजीब सही है लेकिन बयान कर देता हूं, ये कि खुदा किसी को इतने बड़े मर्तबे दे और वो इंसानी की रहनुमाई करे और फिर मुसलमान जाहिल कहते हैं कि इसलिए तो खुदा ने मार दी उसे कि मैं भी नहीं आ सकता, इसलिए तो मार दिया। वो हुआ ये कि अपना मारिया कतिया यमन के बादशाह ने एक कनीज भेजी, उस मारिया कतबिया से बच्चा पैदा हुआ। 18 माह के बाद वो बच्चा वफात पा गया। उसका नाम मोहम्मद अरबी ने इब्राहिम रखा। क्या रखा? इब्राहिम। अब ये आयात तो उतर चुके हैं, नबी भी नहीं आ सकता। अगर तुमने यूं ही लेना जालियों की तरह, उसका मतलब उस आयात का क्या कहते हैं, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलल्लाहि वखातमुन नबिय्यीन, अगर यही मतलब लेना जाहिलों की तरह तो फिर वो तो उतर चुकी है आयात। अब मदीने में ये बच्चा पैदा होता है मारिया कतबिया से, 18 माह के बाद ये वफात पाता है। तो इसको लाद में उतारते हुए मोहम्मद अरबी के बेअख्तियार फिक्रे निकल गए, पढ़ने जिसने पढ़नी हदीस इमाम बुखारी में है, लो आशिया लकान सदीक नबिया, अगर मेरा ये बच्चा जिंदा होता तो नबी भी बनता और सदीक भी होता। लो जी करो, क्या मोहम्मद साहब भूल गए थे कि मैं कह चुका हूं कि लानत दिया मेरे बाद नबी नहीं आ सकता? ये क्या कह रहे अपने बच्चे की वारी आए तो ये मेरा बच्चा, लो आशिया लकान सदीक, ये बच्चा होता
तो सदीक नबी बन जाता। तो बात समझ में आई कि नबी तो आते रहेंगे। वो प्रवेश पाता मोहम्मद साहब की जिंदगी में तो वाकई उसने नबी बनना था। तो कहते हैं तभी तो मारती है वो, इसीलिए कि वो नबी बन जाता। भाई एक बुरा शख्स हो उसको रब मार दे, बात समझ में आती है कि इसने दुनिया का बया गैर करना था। एक ऐसे शख्स को मार दे जिसने सदीक भी और नबी भी बनना था, ये बात किसी की भी समझ नहीं आती। जो खुदा अपने नेक और नबियों को भी इसलिए मानना शुरू कर देता है कि वो खुदा के नबी बनना चाहते हैं। लो जी, तो बात ने साबित कर दिया ना मोहम्मद साहब कि नबी भी होता सदीक भी होता। फिर वो नाम नबी आबादी कहा जाती आयत। तो जितनी गलत फहमियां है कुरान, तो अल्लाह और कुरान की आयत के बाद तुम कौन सी अलर्जी से पेश करोगे? कुरान तो खुला खुला बता देता कि नबी आएंगे, हर जगह बता देता। अब हदीसों में है कुछ कंफ्यूजन, क्योंकि उसको पढ़ के जो है मुसलमान जो है ये बागी होते हैं, अली तू मेरा भाई हारून है, अगर नबी होता हारून नबी था तू नबी नहीं होगा। फिर महल की मिसालें दी गई, अजीब अजीब मिसालें दी गई, जिससे साहबा और ताबेन, साहबा ने कुछ और समझा, ताबेन ने कुछ और समझा। अब अगर आप इसी मसले को ले लें, जब ये शुरू हुआ मौत के बाद, इसका मतलब किसी अरबी से पूछ लें ना नबी बात कि मेरे बाद नबी नहीं है, तो उसका मतलब ये लेंगे मेरे उकब में कोई फौरन नबी नहीं। मिसाल के तौर पे मैं समझा लेता हूं, आपने अपने घर की सफेदी की, सफेदी की आपने नहीं, दूसरे दिन फिर शुरू कर देंगे सफेदी को, बताए उसका एक जमाना चाहिए। फिर वो किसी जमाने में फिर वो सफेदी अपना रंग रूंग खोएगी तो फिर आप करेंगे, तो कहा फौरन कब में कोई नबी नहीं। फिर जब ये खाबा का झगड़ा शुरू हुआ तो बीबी आयशा क्या कहती है वो भी सुन ले, कहा है लोगों ये तो कहो कि मोहम्मद खातिमुन नबीन है, लेकिन ये ना कहो कि इनके बाद कोई नबी नहीं है। दो उस औरत को दबा दिया गया, तू पीछे बैठ उजरे के अंदर, तू क्या तबसरे करती है? वो बीवी जिसके मुतल्लिक पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, कहा आयशा से, तीन दफा कहा, वो बता रही है कि उसने भी तो सुनना होगा ना भाई, जब मियां बीवी इकट्ठे बैठते हैं सोते हैं तो बीवी से ज्यादा खामिद को कौन जानता होगा। तो उन्होंने कहा कि ये ना कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीन है, उसकी मिसालें भी दी गई हैं, मुराद ये है हीरों में चमकती हुई कोई चीज, कोई अंगूठी, कोई ऐसा जेवर जो ज्यादा चमक रहा हो। अब अगर कोई ये कह रहे कि इकबाल पे शायरी खत्म हो गई तो क्या शायर नहीं आएगी? अगर ये चाहे ये समझे मुसलमान, उनका जी इकबाल के बाद कोई शायर नहीं है, मारो सबको भाई। वो जहां पे ये कहा गया खत्म हो गई वो कमाल की तरफ इशारा होगा, क्या बात है, ठीक है कि नहीं? आप देखते हैं स्पोर्ट के अंदर, म्यूजिक के अंदर कभी कोई ऐसा नगमा आया था, आप कहते हैं भाई क्या बात, खत्म है। मेरी हसन साहब पर गजलें, गजल का शहंशाह मेरी हसन साहब पर गजल खत्म हो गई तो क्या गजल नहीं होगी? ये इतना भी नहीं समझ। तो गजबा हिंद जो है उसकी तरफ इशारा करके खुदा की जात बता रही है कि ये तालीमात ही इस तरफ आएंगी और जिंदगी का खुलासा खुदा की जात हो जाएगी, ये सूफियाना दौर, और उसके बाद जिंदा हम कलामी होगी, उसमें मजहब का झगड़ा ही कोई नहीं होगा कि ये हिंदू है ये सिंह है। जब सारे खुदा के हो गए तो फिर मतलब का झगड़ा कहेंगे भी कहेंगे मतलब का झगड़ा भाई, मतलब का झगड़ा जब हो, जब आप रस्ते में हो, हा? जाना आपने जर्मनी हो बैठे गुजरावाला में हो तब तो है कोई झगड़ा, जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए तो झगड़ा कहेगा। आपका मंजिल मकसूद खुदा की जात थी या नबी थे, पहले ये फैसला करो। आपने सारी जिंदगी मेरे साथ इसलिए लड़ना है कि अपने नबियों की वकालत करनी है, तुम कौन होते हो? ये काम तो खुदा को करना है,
और वो काम कर रहा है। तो जब मैंने लिखी वो किताब कि तकलीफ थे सच्चाई ईसा की, सारे मुकदमा, अब वो मुकदमा अब स्टाफन वर्कशॉप कहते हैं उसको, प्रोसिक्यूशन वहां पे, अब देखो कब आता है अदालत में मेरे खिलाफ। भाई मैं कि मुझे अगर ये बात ना बताऊंगा जो खुदा ने बताई है तो इसका मुजरिम कौन होगा, आप मुझे बताए कसम खा के। आप भी कह रहे हैं जी, आप जी। मैं आऊंगा मुजरिम, खुदा ने कोई इनसे थोड़ी पूछना, खुदा ने कहा मैंने तुझसे कहा था तूने क्यों नहीं बताया, तो मुजरिम मैं होऊंगा। क्या ये मुझे मजहब वाले बचा लेंगे खुदा के हजूर? सारे मजहब वाले को मैं ऐसी ऐसी बातें सुनाऊं कि सारे प्यार मोहब्बत से मुझे मान जाए और खुदा मेरे खिलाफ हो, तो ये मुझे बचा लेंगे? मुझे इनकी इनकी मुखालफत, इनके इनकी लड़ाई मार कुटाई है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा मुझसे राजी है, बस मुझे ये चलता। मेरा खुदा का नूर मेरे साथ है, मैंने कसम खा के कहता हूँ, उसके गवाह भी है 40 साल से। वो अब वीडियो भेजे मान साहब को कि 12 साल की उम्र में जब खुदा ने मुझे अपने हजूर बुलाया, इलाम की दुनिया तो पीछे रह गई, ये तो बच्चों का मैदान है, वही जो है मर्दों का मैदान। अपने हजूर बुलाया, जब मुझे चूमा उसी दिन से मेरी आंखों में आसमानी कंच नूर रहता है। मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूँ लेकिन ये नूर रहता है, इसी नूर में जहान खुलते चले जाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, झटके से रूह निकल जाती है और खुदा मुझे किन किन जहानों की सैर कराता है और कहता है लिख लिख, जो नहीं बताया गया वो लिख। तो क्या तुम्हारे कुरान में नहीं खुदा ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं जहानों का रब हूं, तो तुमने उसे रब्बुल मुस्लिमीन क्यों बना दिया? मुसलमानों का रब थोड़ी, जब उसने दावत दी थी मैं जहानों का रब हूं, तो जाओ वो जहान तो देखो वो क्या है क्या कि जिसकी हद ही कोई नहीं है खुदा की, तो आप वो कुछ बता रहे हैं जैसे खुदा की जात कहती है हम इब्राहिम को अपनी बादशाहते दिखाते थे ताकि उसे कामिल कर दे, उसे कामिल कर दे। बादशाह से मुरादी तो ये है पर्दे हटा के मुशाहिदा इलाही और सफर की दुनिया शुरू हो जाए, तो इंसान बिल्कुल बदल जाता है, उसको कौन लेके आएगा फिर वापस, वो तो खुदा का हो गया। और एक छोटी सी बात यहां पे आगे खत्म करता हूं, अगर अंबिया अंबिया बना सकते तो फिर इब्राहिम अपने बेटों को अंबिया बना देते, क्योंकि 8 बच्चे थे, 6 कतूरा से थे, सारे के सारे शैतानी निकले, बस 2 को बरकतें मिली है, एक बीवी हाजरा के बेटे को इस्माइल को और इधर से बीबी सारा के बेटे को ये बरकत मिली है। जो बात बताने लगा वो ना समझनी है कुरान से, क्योंकि अगर दुआ है कि ये सुनकर मेरी मेरा वास ये हमारी किताबें शुरू करें खुदा को मिल ले, तो ना रहे बात ना बजेगी बात नहीं गया, जब रही खत्म हो जाता है। अब इब्राहिम बूढ़े हो गए, जब बूढ़े हो गए इम्तिहान दिए बूढ़े हो गए, तो खुदा मिलने आया और खुश था, वाइस इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमाती قال اني جاهلك للناس اماما قال اني ذريتي قال لا يحن الاهل الظالمين। ये पूरी आयत आपको समझा दी है, कुरान में कुछ दूसरी से पढ़ गई। जब खुश हो गया कसमाइशों से निकले तो खुदा ने कहा ए इब्राहिम कोई तमन्ना है तो बयान कर दे, कहा قال اني جاهلك للناس اماما मैं तुझे इमाम बनाऊंगा। अब वो मोहब्बत औलाद की सामने आई,
आठ बच्चे हैं, काला इन्हीं जुड़ी है, मेरी औलाद में से भी बनाओ, यानी इन सबको नबी बना रही है। यहाँ पे आके खुदा खामोश है। लो जी पहले तमन्ना कह रहे हैं कि इब्राहिम को दुआ तमन्ना है तो बयान कर दे, मैं खुश हूं तुझे, खुश हूं तुझसे, तुझे इमाम बनाऊंगा। तो ये इमाम बनाता कौन है पहले पहले ये भी तो गौर कर लो। जो मेहदी होते तो उनको मेहदी बनाता कौन है, बाद में हदायत वो करते, तुझे मैं इंसानियत का इमाम बनाऊंगा। खुश हो गया इब्राहिम, कहा कि आज खुदा खुश है जरा। वो क्या कहते हैं, तत्ता तत्ता जलेबियां हैं तो मांग ली कुछ और, भैया कहते तती तती जी, आज मामला खुश है, कहा मेरी औलाद में सीख ना। जब ये सुनना खुदा खामोश हो गया, तमन्ना भी खुद ही कह रहा मांग, उसके बाद जब मांगा तो फिर खामोश हो गया। और कुछ वक्फे के बाद खुदा कहता है ला याहनु अहद सालिमीन, मेरा वादा जालिमों से पूरा नहीं होगा। ए इब्राहिम तेरी औलाद में जालिम भी है। अब यहां जालिम की तारीफ क्या होगी ये भी जरा सुन ले, ला याहनु अहद सालिमीन, जो मेरे होंगे उनसे तो मेरा वादा पूरा हो जाएगा। वो वादा इस्माइल से, इसहाक से पूरा हो गया, इस्माइल से मोहम्मद अरबी आए, इसहाक से फिर ये बाद में वालदा की तरफ से ये ईसा आए। लेकिन छह बच्चों शैतानों का ला जानू, ये जालिम है, इनसे वादा पूरा नहीं होगा। अब जालिम की डेफिनेशन क्या है ये भी जरा सोचे। जालिम की डेफिनेशन ये है कि जो अल्लाह की जात को पीर सिखाकर दुनिया की फिक्रों में मर जाए, ये सबसे बड़ा जालिम वो है जिसने दुनिया की फिक्रों में वो बीज जो खुदा ने उसके दिल में डाला था कि कालू बना क्या मैं तेरा रब नहीं, उस बीज को जला दे। देखिए ना, मैं आपको फिर वही मिसाल दूंगा कि एक किसान था, उसका मुर्गी खाना था, तो वो एक दिन पहाड़ पे गया तो एक बच्चा शाइन का गिरा हुआ था, उसने लाके अपने मुर्गी खाने भी छोड़ दिया। अब वो बच्चा था शाइन का मुर्गी खाने के अंदर, अब वो पलने लगा, उसे भी आते पड़ गई मुर्गियों की तरह, नालियों में खाता गन छंत, वो दरबों में रहता। एक दिन दिन बड़ा खूबसूरत था, पहाड़ पे मुर्गी खाना था, शाहीन गुजरी थी, उसने आवाज मारी। अब ये मुर्गियां तो अपने दुनिया के कामों में रही, बता हयात तक दुनिया, ये दुनिया में फंसी रही। अब वो शाहीन जो था उसने कहा, अच्छा घर उसका बड़ा था लेकिन रातों मुर्गियों में था ना। बादशाह कहते हैं बादशाह आता नहीं है, जानी हमें कट्टे पोरी पूरी, ये मुर्गी खाने की आते लग जाए तो ये थोड़ी जाती है। तो वो मुर्गी खाने में अपना पला पड़ा था, दुनियाई फिक्रों में दुनियाई कामों के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन शाहीन ने सोचना शुरू किया, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। तो ये शाहीन ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते पहाड़ पे से नीचे गिरा, तो खौफ और परेशानी के आलम में पर हिलाने शुरू किए। ये आदत है ना, जब पर हिलाने शुरू किए तो देखता क्या है, नीचे गिर नहीं रहा, बस प्रवास करता करता वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचा और नीचे देख के कहने लगा, ओहो खुदा ने तो मुझे ये शाहीन का बच्चा बना के पैदा किया था, मैंने एक सारी जिंदगी मुर्गी खाने में गुजार दी। अब इस मजमून को लेकर चलते हैं ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। जब खुदा ने नूर में से इंसानी सूरत और शक्ल नहीं बनाई थी, समझ ले जरा बात को, नूर था, खुदा ने अपना नूर जुदा किया, वो नूर जहानों में फिरता था, कभी कभी जब खुदा से मुलाकात होती उस नूर की तो खुदा कहता
कुरान का मजमून है, इसको भी सुन ले, फिर मैं अपना मजमून बाद में बताऊंगा। वो कहता कानू बोला, खुदा कहता क्या मैं तेरा रब नहीं? तो वो नूर कहता था सही रहना सही रहना, क्यों नहीं क्यों नहीं। उस नूर में से फिर बाद में हमारी सूरत तो शक्लें बनाई, ठीक है। तो जो लोग खुदा की आवाज को सुनकर चल पड़ते हैं खुदा के सफर के लिए, ये तो शाहीन है, बाकी सारे मुर्गी खत्म है, बाकी सब मुर्गी खाना, बाकी सब मुर्गी खाना। दुनिया की फिक्रे दुनिया के अंदर डूब के मरेंगे, इन्होंने मुर्गी खाने में मरना है। जिसने खुदा की आवाज सुनी और फिक्र किया, मार्फत इलाही को समझने की कोशिश की, खुदा की मार्फत की फिक्र में डूबा, वो शहीद बन जाता है। वो जब वो रहा तो था मुर्गी खाने में, फिर उन्हें तड़पुर इलाही खौफ में कहा मैं तो नीचे, उन्होंने कहा ओहो मैं तो शहीन का, ओ तू शहीन का बच्चा बनाकर पैदा किया गया था, तूने अपने आप को मुर्गी खाना बना दिया। कुरान कहा था तुझे पढ़ ले, तोरा पढ़ ले जी, पढ़ ले कुरान। वाइस काल रब्बू का निल मलाइकत दी इन्नी जाहिलू फिर अब्दी खलीफा, हमने अपना नायब बनाया था वो तुझे शाहीन बनाया था, तू 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 कैसा नायब बना, तूने मुर्गी खाने खोल दी है। तो बात समझा रहा हूं, जिसने खुदा की आवाज के साथ अपनी आवाज मिला दी, सुन ना लगे क्या गाऊं तेरे बिना जीवन सुना। जिसने खुदा के साथ सुन लगाई, खुदा की कसम हम कहते हैं चलो अच्छा ऐसा करो अपने मजहब पे रहो 40 दिन हमारे साथ भी गुजार लो, लेकिन अपने आप को खाली करके आना है। खाली करके नहीं आए, पिछली तनमात भरी पड़ी है, आओगे भी खाली जाओगे खाली। जब आप एक सोच लेके आते हैं इस शख्स को मैंने झूठा साबित करना है, नबी को ये झूठा है, ये कत्ल के लायक है, ये ऐसा ही ऐसा है, तो आपको मिलना क्या है? आप सिर्फ खाली करके यूं आ जाए 40 दिन, मेरा इससे वास्ता नहीं, मेरा अल्लाह से वास्ता है। ए अल्लाह मैंने इसकी आवाज को सुना, ये मुझे वो थाली मात दे रहा था जो पहली किताबों में नहीं है, मैं इसकी तालीमात को सुन के तुझसे पूछता हूं, तू बता 40 दिन हमारी किताबों के मुताबिक करके मेरी तालीमात मेरी रहनमाई ले ले, अगर आके खुल गए रूहानियत में तो वाह, नहीं तो वो अपनी जो बोरी है उसको संभालना, अपनी पांड और जाके फिर रहना शुरू कर दो कैसे चाहो। हम भाई हम कौन है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं इन मामलात के अंदर, तो जरा वक्त बताइएगा। अच्छा सॉरी, अच्छा तो आज का मजमून, क्योंकि ईसा इब्ने ज़करिया ने कहा था वो आने वाला जब बात करेगा तो वो राज़े इलाही बताएगा, इससे पहले अंबिया ने नहीं बताया, बस उससे जमाना शुरू हो जाएगा खुदा की कदर कीमत का। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, गुलाम अहमद कादिया ने मुझसे कुछ बातें की थी कि वो एमजे तक पहुंचा दी है, वो मैंने पहुंचा दी। तो भाई अगर मुझे काफिर कह रहे हैं और आगे पता लगे कि ये बात पैगाम तो गुलाम अहमद कादिया ने दिया था, तो भी ये काफिर किसको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि उसको कह रहे हैं? इनका वहां पे धमाल लगेगा, वो गए ये तो सच्चा है, इसने तो हमें पैगाम पहुंचा दिया, तो मोहम्मद साहब ने कहा था मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, ठीक है वो पढ़ ले किताब है। तो कोई सवाल हो तो कर ले, वरना फिर मुझे, लेकिन वो वीडियो भेज देना जो 40 साल से जिसमें 40 साल पहले मैंने उनको बताए थे अपनी इलाम वही और खुदा थे जो मेरे मामला, उन्होंने गवाही गवाही दी उसने।
जी हजूर, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। प्लीज करें, प्लीज मेहरबानी। हजूर देखी जी, दो दिन पहले ना तो मैंने मोहतरमा से भी जिक्र किया था, लेकिन फिर वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकी। तो अगर मैंने बात देखी कि इतना तरह के यानी कि मसल छोटी सी भारी का आता सात घर बड़े हुए थी, तो उस घर के पास में खड़ा, आवाज नहीं आ रही जी, मेरी आवाज नहीं आ रही, अब कट चल, मेरी आवाज आ रही है, अब आ रही है जी। वो सिग्नल जी, सिग्नल मेरी तरफ सही नहीं है जी। जी जी, अब आ रही है। तो हजूर वो पहाड़ी पे मैं खड़ा हूँ। अच्छा जी, पहाड़ी पे मैं खड़ा हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ना मेरे इर्द गिर्द किन्नर लोग खड़े हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना पंजाब में, वो इश्तियारी लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो वो इस तरह के लोग खड़े हैं जो किसी ने इस तरह की आवाज आई है कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अच्छा, तो वो सब जो है ना, एक बंदा उनमें से जमीन पे लेट गया और उसके ऊपर चादर डाल दिया उन्होंने। अच्छा, जिस तरह यानी कि मसल छुप गया है। अच्छा, तो उसके बाद वो एक डीएसपी आया है, बड़ा सख्त गुस्से में। अच्छा, बाबा डीएसपी आया, मैंने उसको देखा। तो उसके साथ ही मैंने देखा कि मेरे वालिद आ गए हैं। थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं हुजूर, मेरे वालिद साहब जो थे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे पुलिस में लाहौर, आपने वो सीआईए कोतवाली देखी होगी लंडे बाजार के साथ जो है। जी जी, वही मैं पैदा भी हुई है, वही हूँ, मैक्लोड रोड। अच्छा जी, तो हजूर उधर मेरे वालिद साहब थे, जब हम छोटे छोटे थे ना तो वो बड़ा सख्त सा टाइम था हम पे। अच्छा, तो उस टाइम पे हमारे वालिद साहब बहुत सोची थी, लेकिन वो कुछ लेते देते नहीं थे किसी से भी ना, तो तनखा भी गुजारा होता था। तो उस टाइम पे हम यानी कि अभी तो चार बहन भाई हैं, उस टाइम पे तीन थे जी। तो वो नमक और मर्च डाल के ना तो पानी में तो रोटी खिलाते थे, तो बड़ा मजा आता था उस रोटी का। अच्छा, उसी ख्वाब में वही चीज चल रही है, वो डीएसपी को मैंने देखा है, तो उसने मेरे वालिद को ना पेट पे उनके टांग मारी है, तो वो ऐसे कोई छोटी सी चीज बन गए हैं। अच्छा, छोटी सी चीज बन गए। तो मैं आगे आया हूँ, तो मैंने वही बात उनसे शुरू कर दी है, क्योंकि मैं अक्सर एक तो दोस्तों को भी ये चीज बताता हूँ कि यार हमने वो बहुत मुश्किल टाइम गुजारा हुआ है। तो वही मैं चीज का जिक्र उधर कर रहा हूँ कि हमने तो बड़ा मुश्किल सा टाइम देखा हुआ है, हमारे वालिद ने तो कभी कुछ नहीं किया। वो तो यहाँ तक थे कि हमने इस तरह पानी में नमक मिर्च जो होती थी मिक्स करके, तो वो पानी रोटी के साथ हमें खिलाते थे, तो वो बड़ी लज्जत वाली रोटी होती थी जी। वो आज तक हमें उसकी लज्जत जैसा कोई खाना नजर ही नहीं आया। वाह, तो ये मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो लोगों ने ना फिर वो तालियां मारनी शुरू कर दी है। वाह, तो तालियां मारते मारते उस डीएसपी ने भी, तो वो जो है ना यानी कि उस तरह मेरी आंख खुल गई है। तो मैंने फिर वो पिछले वीक में भी वो बात करने लगा था, तो मेरी वो बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सका। मैं क्या, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर इसकी आप तबीयत मुझे प्लीज बताएं जरा। पहाड़ जो है ये मार्फत इलाही के दर्जात है, तो आपने आपको पहाड़ की चोटी पे देखा, ऊपर देखा ना पहाड़ के आपने, ये ठीक है जो मैं पूछ रहा हूँ। तो आपके वालिद साहब वफात पा चुके जी हजूर? तकरीबन जब आपके दर्जात बुलंद होंगे और खुदा से आपका ताल्लुक हो जाएगा तो जी हजूर, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही। जब आपके मार्फत इलाही के जिंदा ताल्लुक हो जाएगा तो आप वजह बन जाएंगे रूह की दुनिया में कि आपके वारिस साहब को भी अगली दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा। ये तबीर है, और खुदा आपको इन बुरे लोगों और इन बुरे इनके हमलों से भी बचाएगा आपको। तो ये दिखाया गया है, और वो जो मिर्च और वो जो नमक की रोटी है वो बता रही है कि मार्फत इलाही का जायका कभी नहीं जाता। हलाल चीज जो खिलाई जाए, चाहे वो मिर्च या नमक ही पानी में क्यों ना हो। मैं आपको बता देता हूँ, वो आपकी बात से मुझे बात याद आ गई, मुझे आज तक वो सूखी रोटी और वो चटनी नहीं भूलती जो मेरी वालदा मुझे दिया करती। वाह वाह,
कितने माल यहाँ पे सब कुछ ही है, लेकिन वो जब चटनी, वो चटनी जो बनाती थी उसका स्वाद मुझे आज तक यहाँ कहीं मिला नहीं। और वो सूखी रोटी है अपने, और तो यही वहां भी यही हाल था, हराम से बड़ी नफरत थी। वो कहती थी कि हलाल का लुकमा जाए, तो ये लुकमा ही तो था हलाल का, कि खुदा ने मुझ पे कितनी बरकतें कर दी, मुझे चुन लिया। और है शुक्रिया जी, तो ये ख्वाब आपको मुबारक हो। पहाड़ पे चढ़ना जो है और ऊपर, ये वो शाहीन वाला ही मामला है। जरा आप मुर्गी खाने से निकल के ना आ जाए आगे। तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह तो आप आ जाए, और मैं आपको कसम तक दे के कहता हूँ, चाहे आप अहमदी से हो कहीं से, तो हम आपका मदद नहीं बच सकेंगे। ये वाह हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। अगर हमने आपको खुदा से मिला दिया, और ऐवान साहब की तरह या चट्टा साहब की तरह जो अहमदी के लोग हैं, आपने खुदा को देख लिया, तो मुझे खुशी इतनी होगी जो जन्नत में मिल जाए तो नहीं होगी। वाह 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 जी वाह। हजूर क्योंकि अब जन्नत क्या, मैं माफी चाहता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ। मुझे शुरू में ही पता चल गया था, तमाम मेम्बरान को भी, ये हमारे साउथ अफ्रीका वाले भट्ट साहब हैं जी। तो ये प्रोग्राम मैंने चलने अच्छा दिया जी, ताकि ये अच्छा प्रोग्राम जब अच्छा आपका ख़त्म हो तो हम आजम भट्ट साहब को भेज दें, तो इसलिए मैं कॉल हाँ, किया। बड़ा बड़ा अच्छा। अजीम भट्ट साहब, अजी अजीम भट्ट अजीम साहब भट्ट जी अजीम भट्ट का, उनको भेज देना, बाकी हदायत देना खुदा का काम है। ठीक है नहीं? तो ये दुनिया या वो दुनिया, ये भट्ट हो या वो भट्ट हो, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। बराबर ठीक है, भट्टों की दुनिया शुरू हो गई हजूर, बरसाने शुरू हो गए। बहुत ये शुक्रिया दुनिया या वो दुनिया, अब ख्वाहिश है दुनिया, अब ये बट हो या वो बट हो, जी। इसी बट की तो कैसी किनारे पे लगे। हाँ उस बिल्कुल बट की ना, हजूर वो लामा इकबाल ने भी फरमाया ना कि तू पट है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हाँ जी हाँ वो हाँ बट ने कहा दलेर था, बट आपने लोग कहा आ था। सकते हैं, इधर बुजुर्ग हाँ जी की दुनिया नहीं है ये। हाँ जी, तो आपको इस ख्वाब से मुराद ये है कि आपकी वजह से खुदा क्या क्या कुछ करेगा कमाल। ठीक है, तो मेरे भाई साहब मुझे मिलने आए हजूर जी। ये खुश नसीब है कि जी जहाँ आपके पाँव पड़े हैं, जहाँ आप रहे हैं भट्ट साहब वहीं रहते हैं। ये आपके पाँव की दुआओं की बरकत है। वाह जी वाह, ये पहले लोग हैं वो। वाह जी वाह। क्योंकि मैकलोड रोड और लंडा बाजार कोई 4 मिनट का रास्ता भी नहीं है, 5 मिनट का। और यहाँ स्टाइनबर्ग में भी आप दूरी इसी से तरह करेंगे। रहे हैं। हाँ अच्छा, जी, ये स्टाइनबर्ग में यही रहते हैं। माशाल्लाह। तो आप हर किसी भट्ट को पैगाम पहुंचा देंगे, हमारा काम पैगाम पहुंचाना है, जी मनवाना हमारा काम है ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो ये तो बता रहे थे ना लंडा बाजार का, मैंने लंडे बाजार में कपड़े बेचेंगे। मैंने दिहाड़ियां लगवाई है, मुझे इन सब चीजों का बहुत, वो थाना जो है साथ ही लंडा बाजार के जी, कोतवाली हजूर, कोतवाली नवाली जी, ये कोतवाली जी, एक कतवाली, फिर साथ ही रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो मेरा सारा बचपन ही वहां पे गुजरा है, आपने मुझे मेरा बचपन याद करा दिया था। इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए तो मैकलोड रोड, वो लक्ष्मी चौक जहाँ पे फिल्में वगैरह बनती है, तो मैं गढ़ में ही पैदा हुआ, वहां पे किसी जमाने में होटल भी था, लाहौर होटल। तो मैंने वो बचपन याद आ गया, आया है मुझे फिर याद, वो सारी गुजरा वो जमाना बचपन का, वो खेल तमाशे, वो झूले, वो दौड़ के कहना हाथ झूले, जी तो वो यादें कहाँ जाती है। ठीक है, तो वो ऐसे जरा ये बात से बात चल निकली, तो मैं एक जन्नत में पहुंचा हुआ था, तो एक दरवाजा था महल का, अंदर तो दाखिल हो, अंदर दाखिल हुआ
तो खुदा ने मैकलोड उधर ही बनाया हुआ था लक्ष्मी वो जैसे मैं तो आया मैंने कहा ये क्या कहा वो बचपन का जमाना हम इस जन्नत में यहीं ले आए ताकि इधर भी देख ले जमाना कहीं कमाना भूल ना बचपन की मोहब्बत को दिल से ना भुला देना जब याद हमारी आए मिलने की दुआ तो बचपन कहाँ भूलता है जी तो वो जन्नत के अंदर वो महल था एक दरवाजे से जाऊं तो बचपन की दुनिया में पहुंच जाता था एक में जाऊं तो मुस्तकबिल की दुनिया में कमाल ही किया हुआ जन्नतों में तो जब वो एक दरवाजे से जन्नत के दाखिल हुआ तो वहां पे जो खड़े हुए थे वो मोहम्मद अरबी खड़े हुए थे मैंने कहा आप क्या कर रहे मूसा भी थे कहा हम तेरे बचपन का जमाना देखने आए जो तूने गुजारा है बिल्कुल ही वैसा बना के ना खुदा ने कहा ये लो तो वो बात नहीं आ गई कि वो जो चीजें बिछड़ गई हम फिर नया बना देंगे ये कोई भी बात है बिल्कुल ही नक्शा खींच के वैसा ही खुदा ने बना दिया बस एक महल का दरवाजा पर जादू का दरवाजा इधर गया तो इधर उधर गया तो कुछ को भट्ट साहब को ये बता दें कि वहाँ जहाँ आपने 12 साल दुआ की तो ये भी दुआ करें वहाँ जाके हाँ जी बिल्कुल आए और आप वो मैं तो बता देता हूँ खुदा का नूर आता है वहाँ पे लेकिन आप इसको इनको लेके आए ना वहाँ पे इंशाल्लाह लेके आऊंगा जी जी क्योंकि खुदा ने आपको वसीला बनाया तो जी बिल्कुल इनको मैं ये बता देता हूँ जो कोई पूरी सच्चे दिल से आएगा वहाँ खुदा का नूर कई दफा आया बल्कि हजारों मरतबा खुदा से हम अब कलामी भी वहां पे खुदा ने इनको ये दुनिया की हर रंगीनी तो इनको दे दी है हजूर ये अब जिस खुदा की तलाश में है ना बस यही कमी है और वो आप आपके जरिए पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह जिंदाबाद इनको बता दें कोई तालीमात कि ये तालीमात सुनना शुरू कर रहे हाँ जी भेजी थी मैंने अब तो किताब सुन सकते हैं अब तो हमने मामले आसान किए हैं जी बिल्कुल तो मुझे वो सारा याद पड़ता है बल्कि अच्छा मैं बात बता रहा था मैं वो बात ही भूल गया मोहम्मद अरबी भी थे वहां पे हसन हुसैन भी आए हुए थे मूसा भी थे तो कहना कि तेरे बचपन का जमाना देखने आए कि ये क्या था तो वो बचपन की यादें थोड़ी भूलती है तो वो तो खुदा ने जन्नत में भी वो बना दी कहीं कभी याद आए तो उधर दुनिया में जाने की जरूरत क्या है तो यही देख रहे तो उस जगह को देखने के लिए जन्नत में जो बचपन के जमाने की सारी चीजें बना दी फरिश्ते भी आते हैं देखने के लिए कि कैसा मुकद्दस जमाना था जहाँ मसीह उस्मा से खुदा की दुनिया आई थी वो लक्ष्मी चौक में जिसने वो क्या कहते हैं सैन में वो ये सारा इलाका ही अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाए ग्वाल मंडी की तरफ थोड़ा सा कोई 15-10 मिनट तो दाता ने हिजवेरी का मजार आ जाता है थोड़ा सा ऊपर को जाए तो मेरी 4 साल की उम्र थी जब दाता अली हिजवेरी जिद करके मुझे अपने मजार पे लेके जाते थे कि मेरे साथ चल तो फिर मैं अपनी वालदा को लेके चलता था और यहाँ तक कि जब मैं पहुंचता था मजार पे सलाम करता तो सलाम का जवाब देता तो ये तो जिंदा तालु की बात बता रहा हूँ तो जब ये ख्वाजा मोहीउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ये तशरीफ लेके आए तो 40 दिन दाता अली हजवेरी के मजार पे ठहरे तो जब चलने लगे तो बेख्तियार मुंह से निकल गया ख्वाजा मोहीउद्दीन चिश्ती के गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा ला कसा राह पीर कामिल काम ला राह रहनुमा खुदा का ऐसा नूर है ना कसा पीरों को भी और कामलों को भी राह दिखा देता है आओ ख्वाजा मोहीउद्दीन चिश्ती की दुनिया में मैं पहुंचा अजीब जन्नत है और इनका तो कलमा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो वहां बड़ा कुछ देखा मैंने तो जो खुदा ने उसको कौन जाया कर सकता है वहां मैंने
फरिश्ते औरतें और मखलूक देखी जिनकी छातियों में नूर था गोल्डन और नीचे नूर था और वो प्रवास करती थी उस जन्नत के अंदर। तो मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन से पूछा ये क्या, कहा ये खुदा की इनायत है मेरे पर। तो इन सबको मैं जानता हूँ, कोई हमारा कोई मरा हुआ रिश्ता थोड़ी है इनसे, समझिए। तो इन सबको मैं जानता हूँ, ये जितने भी आए हैं ये उधर से। तो तभी तो कहा था खुदा ने, तू सूफिया की दुआ है। जब दुआ पूछी गई अल्लाह ने कहा सूफी तुम्हारी कोई दुआ है, तो कहा हमारी कोई आल और अहल में से कोई भेज जो तेरा जमाना नहीं है। तब मैंने कहा था खुदा, तो उसको खुदा ने कहा कि तू दुआ है इनकी। मैंने कहा रब सच्ची बात यह, मैं तेरी दुआ तो बनना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये हलाल है कि हराम है। असल हलाल खुदा की जात है। जब तक खुदा की याद रहे सब हलाल, उसके बाद जमानत खत्म हो जाती है। तो ये जो हमारी बीवी है वकील, इनके पास आते वो बड़े बड़े औलिया और बताती है कि उनका नूर फरिश्तों से भी ज्यादा है। तो मैंने कहा खुदा की बंदी कोई किताब ही लिख दे ताकि इंसानों को फायदा हो जाए। तो एक दिन सुनी साहब की किताब, जिन जिन की किताबें हैं वो सब, ताकि उससे आपका नाम यादगारी बाकी रहेगी खुदा की मोहब्बत में कि इंसानियत। वो देखो ना सारे टूट गए ईसाइयत में, वो मार्कस मैथियो लूका बस यही रह गए बाकी, क्योंकि इन्होंने बताया था थोड़ा बहुत ईसा के मुताबिक, बस वही किताबें अब इंजील के जुहाना वगैरह, बाकी सारे टूट गए, सब टूट गए। यहाँ से सब नहीं टूट जाना जी। तो इतना हो जाए ना कि अपना मरने से पहले ही वो ठिकाना बता दे तो क्या बात है। तो जब जान निकलने लगी तो मौने अलवी ने कहा मैं अपना हॉर्स यहाँ से देख रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। और वो कहते मैं हॉर्स देख रहा हूँ, मैंने पता नहीं क्या क्या देख लिया। सब पते उठा दिए खुदा ने। ये तो कोई अगर और सवाल नहीं है तो फिर यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। इस टेप का नाम होगा कि 23 साल की मिसाल और गजबे हिंद क्या है। झूठा झूठे और सच्चे का फर्क 23 साल में, उसकी तफसील और गजबे हिंद क्या होगा, जो इसका मतलब क्या है। इन चाइनों ने बड़ा कुछ गलत समझा है, समझेंगे नहीं, इनमें जो कुछ भी समझा। अब गजबा हिंद करेंगे, तुम्हारे पास तो है कोई 150 बम, वो जो हिंदू लेके बैठे हुए। साइंस बताती है कि अगर ये इनके पास खाने के दाने नहीं, वो क्या कहते खाने के दाने नहीं, अम्मा लगे बुलाने, क्या कहते खाने के दाने नहीं अम्मा लगी बुलाने, तो वो साइंस जो है आज की वो बताती है कि अगर इन्होंने एक दूसरे पे फेंक दिए ना बम, एशिया का तो घड़ा बन जाएगा, ब्लैक होल। थम भी गए छोटे और बड़े मियाँ। उसके बाद रेडिएशन वो बताते हैं वो आएगी तुर्की की तरफ, तुर्की भी गया। तो जहां जहां वो हवा चल के रेडिएशन आएगी, वो सबका खाना खराब कर देंगे। तो अल्लाह बचाए इनके कस्बे हिंद से ना, कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। खुदा बचाए इनके कस्बे, ये नहायत सालिम है। इनके इनकी जालियत जो है वो इतनी सालिम है कि ये काम अपने वक्त के काफिर नहीं करते थे। मैं आप बड़े हैरान है, ये अरब के जो काफिर थे ना, जो मोहम्मद साहब के सख्त मुखालिफ थे, कुफारे मक्का जिन्होंने इनकार किया था, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। अगर कोई जा रही है ना, कोई मोहम्मद रसूल की बीवी या फैमिली है, उनको जाने दिया, उन्होंने भी ये काम नहीं किया शैतानों ने। बस इतना कहते थे हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहो, ये
सालिम तो जो हम देख रहे हैं नबी के नाम पर सतन से जुना, तो बात और कैसे मारते हैं, यानी कि बेबेरियन का जमाना सामने आ जाता है। मैंने जब ये वीडियो भेजी आप पर भी किसने वो मैंने देखी, तो जिसम दर्स उठा के इतना जालिम भी कोई हो सकता है, इतने जालिम, ऐसे जालिमों को राह खुदा कैसे दिखा सकते हैं। इनकी हरकत जाहिलाना, इनकी आदतें और हरकतें सालिमाना है, ये बात नहीं आए तो खुदा इनके टोटे कर देगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, ताकि ये ना रहे बाप ना बजे बाप से। इस तरफ अगर चला गया तो फिर पंजाब का एक लहरा छोटा सा मलक होगा, जैसे श्रीलंका बलोचिस्तान लहरा हो जाएगा, ये लहरा हो जाएगा, तब इनको चैन आएगा। दुआ करें या तो इनकी हालतें बदल दे वरना इन सालों की छुट्टी रहे। छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, इजाजत है? हाँ जी इजाजत ही है, तभी तो मैं बैठा हूँ। वो कुछ दिनों से मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि कोविड की वजह से जब इतने लोग वैक्सीनेशन की वजह से मर जाएंगे तो फिर ये लोग आपकी तरफ आएंगे, और फिर पाकिस्तान में अगर हम इनको आपका बताएं तो फिर आपकी तबलीग तेजी से फैलेगी, और फिर ये आपने फ्यूचर में भी देखा कि आपका वहां पे लाहौर में स्टैच्यू लगा हुआ है असेंबली और हॉल के सामने, तो वो बातें सच्ची साबित हो जाएंगी। जी इसका जमाना 60 साल पे है, तो अगर बातें सच्ची साबित हो भी गई हमें खुशी सिर्फ इतनी होगी कि इंसानियत खुदा की तरफ आ गई, खुदा अगर खुदा ने मुझसे पूछा ये स्टैचू तेरा बना लगा, मैं कहूंगा चट्टा साहब का बना दूंगा, अतल का बना दूंगा। मुझे इसका मैंने क्या करना है, लेकिन अगर मेरा ही बनाना है तो चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो खुशी से अब ये होगी कि वो दौरे अंबिया आ गया और ये मजहब के लोग रास्ते गए, ठीक है, इनकी दुनिया खत्म हो गई थी, बस इतनी खुशी है। यही सारी मजहब की मेरी सॉरी मिशन की मेराज ही यही है मेरी कि वो दौर आ जाएगा। अब अगर कोई और मुझे कहता तो मैंने तो यकीन नहीं करना था, लेकिन खुदा की जात ने कहा मैं तुझे दिखा देता हूँ, बल्कि ये दौर 40-60 साल का दौर क्या है, मैं तुझे 10,000-11,000 तक हम प्रवास कर लेते हैं सही, अगर जो पता लगे 10,000 साल तो ये अभी जन्नत मेरे सामने आ गई, खुदा की कसम अभी बात की मैंने, अभी वो जमाना, अभी वो जमाना है जन्नत ही सामने आ गई, ये कंप्यूटर वगैरह हट गया था सारा, वाह वाह वाह। तो प्यारे खुदा के वादा खिलाफ वो मत समझ, खुदा वादा खिलाफ नहीं, उसके वादे जरूर पूरे होंगे, बस थोड़ी सी देर है, देर है अंधेर नहीं है, तो चाहे जनतों में बेटी बताती है परवाज कर रही थी तो वहां एक इतना बड़ा स्टैचू था नूरों की दुनिया में, तो इसने किसी ने पूछा ये तो मेरे अब्बा जान का स्टैचू है, उन्हें कहा अब्बा जान को भी खबर है कि नहीं है, उसने कहा तू तो पैदा भी नहीं हुई थी जब से अब्बा जान को खबर है। कहा कि ये बनाने वाला कौन है, कहा ये अल्लाह की जात ने बनाया है, जब इस नूरों के परतों की जन्नत में आता है प्रवास करता हूं तो सबसे पहले इस स्टैचू के माथे को और आंखों को चुपता होता, फिर नीचे जन्नत में उतरता है, फिर उतरता है नीचे, पहले नहीं उतरता। बेटी ने बताया तो कहेंगी अब्बा जान खुश हो गए, मैंने कहा बेटी मुझे इन बातों से खुशी नहीं होती, समझेंगे नहीं, ये जमाने हम देख चुके हैं, मुझे जो खुशी होगी वो जब होगी जब खुदा की तालीमात जो है इस जमीन से शैतानों से छुटकारा मिल जाए, बस उसके बाद फिर सुकून आएगा, फिर असल खुशी शुरू होगी, बल्कि
तब भी नहीं होगी क्योंकि दोस्त के भरी पड़ी है। मैं जन्नत में बैठ के केले और अंगूर खाऊं और आम चूसू, ये मुझसे नहीं होगा। तो हमने जब तक जाते रहना है जब तक के दोस्तों के अंधेरे भी खत्म हो जाए, हमने ये काम करते रहना है। क्योंकि मोहब्बत का मतलब यही है, यही है मोहब्बत की आबरू कि वो जफा करे तो वफा करे, समझे कि नहीं। तो हमने हमारा कहीं भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा, हमने चलना ही चलना है। जब तक खुदा की जात ने कहा कि वक्त आएगा मैं अपना पांव रख दूंगा दोस्तों में, तो जब तक जो मेरी मोहब्बत है खुदा का पांव नहीं रखवा दिया मुझे सुकून ना है। और जो भी जन दोस्त के जन बदल के अच्छी दुनिया में बदलेगी वो मेरी तालीमात से बदलेगी। कहीं ये ना समझना कि मैं वहां मोईदे दिखाने जा रहा हूं, समझे कि नहीं। वो खुदा की तालीमात जो है उसकी मोहब्बत ज़ादे लाई एक ऐसा फजर का मजा है कि एक वक्त आता है कि रूह खुदा को सुनकर उसकी मोहब्बत इलाही को बदल जाती है। तो ये काम करेंगे हम, इनकी वो क्या कहते हैं इनकी भैंसों को इनकी बकरियों को सही करने नहीं आए, मौजे दिखाने आने वाला खुदा का पता बताता है, पता बताते बताते मिलाते मिलाते हम अपना जीवन दे देंगे। तो कई दफा ऐसा होता है मैं आसमान की तरफ निगाह करता हूँ जब मैं दुआ के लिए जाता हूँ या जंगल में, तो देखता हूँ कि आसमान खुल जाता है और बारी बारी जनते इशारे करके मुझे बुलाती है, आया ये मौसम ये हसीन नजारे प्यार करो तो इनसे। ये इंसान जो है ये तो कीड़ा बन चुका है, इसे क्या पता खुदा की कदर कीमत का। खुदा की कदर कीमत जानना चाहते हो तो खुदा के दिल से पूछो कि ये जमाने क्या होंगे। हम इस सारे जमाने देखकर ये जो हमारे नबी बैठे हुए ना ये खरबों खरबों में जहां भी पहुंचेंगे तो पहले मेरे कदमों पे निशान पाएंगे कि हजूर यहाँ से गुजर चुके हैं। ये तो आखिरत की जिंदगी भी ऐसी है। तो प्यारे नाम खुशी है कि वैक्सीन से सारे मारे ही जाए, अब ये खुद ही लाइन लगा के खड़े हुए मरवाने के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं जी। वो कहते ना कुत्ते की मौत आई तो वो शहर किधर से, ये सारे लाइन लगा के खुद ही मरवा रहे हैं अपने आप को। खुशी तो हमें कोई नहीं है, ना हम इस वैक्सीन को अपना मोजा कहेंगे। बंदे मर जाए करोड़ों, हम कहें देखो जी मोजा हो गया, मुझसे बढ़ के सालिम और शैतान कौन हो सकता है। हम ये काम नहीं करेंगे, हमारी जब तक बस चलेगा हम चाहेंगे धोबी का कुत्ता घर का भी हो और घाट का भी हो, अगर नहीं होना चाहता तो वही तुम्हारी मर्जी, समझे कि नहीं। लेकिन दुनिया में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस आ जाएंगी, इतने लोग मर जाएंगे तो फिर तो लोगों को आपसे रुजू करेंगे कि लोगों के खुदा का कोई बंदा है उससे रुजू किया जाए, करेंगे। क्योंकि खुदा ने कहा कि इनको मैं माजी बना दूंगा, तो जब मुसीबतें आएंगी तो फिर तो करेंगे। क्या कहते जी आन पड़ेगी जाओ फैन फिर शुरू होगी इनकी, ठीक है कि नहीं। ये वाक्य सुना आपने आन पड़ेगी जाओ फैन? जी जी सुना हुआ जी, मैंने भी सुना। ये क्या है जी आनपढ़ की या हुसैन? ये है कि सुन्नी शियों का घोड़ा नहीं घुसाने देते थे लाहौर में, तो बड़ा मारते थे। ये 4,000 होते तो वो 20,000 बन के घोड़े को ही मारते थे शियों को। फिर शिया ने प्रोग्राम बनाया ऐसा करते हैं कि हम निकलेंगे 4,000-5,000 और आगे पीछे अपने बंदे करेंगे कोई 10,000, तो जब हम फंसे और सुन्नी हमें फंसा ले मारने के लिए तो ये जो हमारे 10,000 है ये उनको घेरा डालते, फिर हम इन सुन्नियों का खड़का करेंगे। तो मामला तय हो गया, तो वही हुआ, वो 3,000-4,000 जो थे उनको रगड़े में ले लिया घोड़े को भी सुन्नियों ने। फिर आई ये शिया
20 से 10 हजार इन्होंने उनको घेरे में ले लिया। तो शिया ने कहा अब मारना है इनको, पता कैसे लगे कि ये सुन्नी है ये शिया है। उन्होंने कहा हमें पता कैसे मत, तुम बस ये कहना कि जब मैं कहूँ या हुसैन तो सब शियों ने मातम शुरू कर देना ताकि पता लग जाए कि शिया कौन है सुन्नी कौन है, फिर सुनियों की हम करेंगे दुर्गत। तो जब उनका या हुसैन का नारा मारा तो जो सुन्नी फंसे हुए थे उन्होंने पहले मातम शुरू कर दिया। अब वो शिया हैरान हो गए कि भाई हमारे शियों ने मार, ये तो उन्होंने फिर नारा मारा या हुसैन, सुनियों ने अपनी जान बचानी थी, उन्होंने फिर कहा या हुसैन और अपने को मातम करके छाती पीट के और छुरियां मारी। तब उनको समझ ना लगे कि यहाँ शिया कौन है सुन्नी कौन है। तो जब आन पड़ी या हुसैन होगी इन पे मुसीबतें आएंगी तो फिर मुड़ के कहेंगे ओहो खुदा का दिल आया था। फिर मैंने देखा कि दुनिया पलटी कि ये एक इंसानियत का खानदान यही है बस जो इंसानियत को सब दुखों से निजात देता है। फिर उस वक्त करोड़ों नबी भी थे, उन करोड़ों नबियों का जिंदा ताल्लुक था, तो फिर वो खुदा की दुनिया शुरू हो गई। तो आनपड़ी की या हुसैन तो होगी लेकिन हम नहीं चाहते थे ये आनपड़ी की या हुसैन हो, जैसे वो कोई शैतान गुलामों में से कहते हैं ये सारे बंदे मर गए, मर गए ये मेरा मौजदा है, जाहिल आदमी अगर बीच में तेरे भी चार मर जाए तो फिर है जी तेरे भी चार मारे जाए बीच में चीज शर्म नहीं आती कि इतनी बंदे मारे जाए, और अगर सारे बंदे मारे भी जाए तो फिर भी इस गुलाम पे कोई ईमान नहीं लेके आएगा इस जाहिल के ऊपर। इसकी इतनी जाहिलियत ये है कि जो खुदा की पैगाम की वजह से जेद में आ जाए, ठीक है नहीं। तो हमें इस वैक्सीन वगैरह से कोई शौक नहीं है कि बंदे मारे। मैं चाहता हूं कि ये खून की हौली खेली ना जाए, क्योंकि मैंने तो बड़ा कुछ देखा है। मैंने देखा यूरोप में वो खाना जंगी शुरू हो गई थी, तो बड़ा कुछ। तो मैं दुआएं करते रहता हूं कि मेरी तालीमात की वजह से कोई, क्योंकि जो कोई नबी हो कोई भी हो बद्दुआ करेगा उसे उस बद्दुआ में से हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? उस बद्दुआ में से उसे उसका हिस्सा मिलेगा। जो कोई नेकी की दुआ करेगा उसमें से हिस्सा मिलेगा। हमें इन चीजों से खुशी नहीं होती, तो बस ये दुआ करें कि ये तालीमात जो है ये इंसान के दिल में समा जाए, इंसान खुदा की कदर कीमत को पहचान जाए। आमीन आमीन। बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मुझे इजाजत दे दें। ठीक है रुख, आप तो खुदा की सलामती है, बहुत टाइम दिया आपने, जज़ाकअल्लाह बहुत टाइम दिया आपने जी। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो बड़ी मेहरबानी, मैं बंद करने लगा जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। कल 1 बजे जी हजूर आपको प्योर डिस्कशन पे मिलते हैं जी हम लोग। अच्छा याद करा दिया, वो हमेशा ही मेरे जहन से निकल जाता है क्योंकि वो दूसरे दिन मैं मसरूफ रहता हूँ। अच्छा एक दफा फिर याद करा देना कल जी, क्योंकि पता नहीं वो पहले थे ना कई कई दिन तो मुझे याद रहता था, तो अब वो कुछ और बहुत सी चीजें आ जाती है। और मैं एक किताब ही लिख रहा हूँ, The Identity of God, The Greatest Among the Prophet, खुदा की तौहीद अल्लाह और नबियों में से ये काम सबसे ज्यादा अजीम शख्स कौन था जिसने तौहीद का। तो वो किताब ही इसलिए लिख रहा हूँ कि मोहम्मद साहब आए और कहने लगे कि यूरोप के मुसलमानों को तो फिर मैं लेके आऊंगा इधर ये किताब। तो एक यहाँ पे बहुत मशहूर शख्स है जर्मनी में, पिया फोगल, तो उसने बड़े शायद इनको खबर हो, तो अपना क्या कहते हैं अमान साहब को,
सिया फोगल बड़ा मशहूर शख्स है, बड़े मुसलमान की है। तो एक दिन उसका जलसा हो रहा था, तो मैं भी वहां पहुंच गया। तो मेरे साथ हेलमुत भी थे, मारियो भी था। जब उसे खबर हुई तो लोग तो बहुत थे वहां, हजारों, पुलिस भी बड़ी खड़ी थी। उसे पता लगा है खान आया है, तो उसने कहा है खान हमारा मेहमान है, कोई शख्स किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत की तो मैं उसको बेल लबेट लूंगा, क्योंकि उसके जस्ते में हमेशा 10-15 लोग मुसलमान हो जाते। तो फिर कहा के रास्ता बना दो, रास्ता बनाया, पिया फोगल उतर के आया, मुलाकात हुई। तो शिकवा कहने लगा कि वो जो किताब है जो आपने लिखी थी मोहम्मद साहब की जुड़म की, वो क्या? फिर मैंने वजह बताई, मैंने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, जिब्राइल ने लिखवाई थी वक्त की, और अब वो किताब का बदल के नाम मोहम्मद का पैगाम हो गया, मोहम्मद साहब का पैगाम। तो बातें हुई, तो यहां तक वो पिया फोगल ने कहा कि जहां भी जाएंगे क्या कहते हैं जाहिद साहब, हमारी पुलिस, हमारी जो सिक्योरिटी है वो इनको बचाएगी, और अगर किसी ने कुछ कहा या किसी, तो मैंने फिर वादा लिया, मैंने कहा ये किताब पहले पढ़नी है। वो कहते हैं कि कवर देख के कोई वो नहीं कर देनी चाहिए जजमेंट। फिर वो किताबें भी पढ़ी, फिर उसने मुझसे रब्ता भी किया। तो अब मोहम्मद साहब कह रहे थे कि जब ये किताब आएगी, तो वो दोनों किताबें मैंने बदल दी, क्योंकि जैसे मोहम्मद साहब ने कहा, क्योंकि जब एक शख्स सब कुछ छोड़ छाड़ के खुदा के अहद की तरफ आ गया और चाहते हैं कि खुदा की दुनिया आ जाए, तो मोहम्मद साहब ने उसे कहा भी कि मैं अपना बड़ा पशेमान हूं, मैं कैसे माजरत करूं, माफी मांगू। मैंने कहा जो हो गया वो हो गया, जो जमाना गुजर गया। आज सबसे खुशी ये है कि आप जो मजहब का जोर लगा रहे थे वो आज खत्म करके आप इधर खुदा की तरफ आ गए। तो मोहम्मद साहब कहते थे ये किताब लिखो, तो इस पिया फोगल के ख्वाब में आऊंगा और कहूंगा जाके जाहिर से मिल। तो बता रहे थे मोहम्मद साहब की जब ये किताब आएगी, तो पिया फोगल ने खुद ही मुझे टेलीफोन करके कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा वो किताब जो मैंने पढ़ी है आइडेंटिटी ऑफ गॉड, तौहीद अल्लाह और नबियों में सबसे बढ़ के नबी को, बस उस किताब ने मुझ पर बड़ा असर किया, मैं ये हो क्या गया। तो मिलने के लिए आया, तो फिर मैंने देखा कि नई नस्लों ने उस किताब को पढ़कर इस्लाम की जिद जो है वो टूट गई थी, ठीक है नहीं? तो हम अपनी जात अपनी ख्वाहिशें किताबें थोड़ी लिखते हैं। हमारा तो जिंदा ताल्लुक है ना पीछे। तो अब ये है कि जो काम बिगाड़ दिए मोहम्मद साहब ने 1500 साल से, और जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करनी पड़ेगी, क्या ख्याल है जी? और जो आग लगा दी है, अब उस आग से अपने घर भी चले गए ना, ठीक है? करते रहे खिजा से हम सौदा बहार का, बदला दिया तो क्या दिया तूने बहार का। खुद ही हम बद नसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए। सब कुछ होश में आए तो क्या हुआ? अब होश में आए, अब वो जो काम बिगड़ चुके हैं, आप मुझसे कहेंगे जी वो मैं 1500 साल के बिगड़े हुए काम 15 दिन में करके दिखाए, तो भाई ये तो झूठ बात है, उसके लिए वक्त लगेगा, ठीक है? अब तो मोहम्मद साहब के साथ जब से वो आए हैं, उनके साथ भी ये होना शुरू हो गया है, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो। तो अब जब से मोहम्मद साहब आए, उनका भी रूह की दुनिया में अजीब सा हाल हो गया, ठीक है? ये आवाज आ रही है। अच्छा, अब जब से मोहम्मद साहब ऐप लेके आए हैं, उनका रूह की दुनिया में भी, दरमियानी दुनिया में कोई अच्छा हाल थोड़ी है, दोस्तों में भी, वो जरा ऊपर जाए तो थोड़ा सा सुकून मिलता है,
कि कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। अब उधर का भी हाल हमने, कभी उनकी कश्ती डगमगाती है, कभी किनारा खोया जाता है। तो इन सब हालात का मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा मैं वादा तो कर चुका हूं, लेकिन मैं खुदा से जरूर पूछ लूंगा, क्योंकि मैं चाहता यह था कि अब जितनी किताबें हैं वो खुदा पर आए। तो मोहम्मद साहब ने कहा इस किताब के साथ अगर नई नस्ल आ गई खुदा की तरफ तो ये भी तो काम है। मैंने कहा चलो ठीक है पूछ लेंगे। तो पूछा तो आगे से खुदा ने कहा ठीक है, क्योंकि इससे इस्लाम की नई नस्लें आएंगी ना, जब तो ये कश्ती जब किनारे लगेगी यूरोप की, क्योंकि ये बेचारे तो बड़े तहजीब अमन सुकून, जब ये नई नस्लें आएंगी वो इन तहा पसंदों का धर्मादा करेंगे। सही। तो हम नहीं चाहते कि कोई खून वगैरह हो, हमें क्या मिलेगा। मेरी वैक्सीन की वजह से करोड़ों बंदे मर जाए, मैं नबी हूं कि चिंगज़ खान हूं, ज़ालिम। खुदा को इन बातों से कोई खुशी नहीं होती, ठीक है। ऐसी बातों को हमने छोड़ ये सब कुछ फरिश्तों ने बताया आपको। चलो ठीक है, तो फरिश्तों की बात कोई लकीर पे फकीर थोड़ी है, हम छोड़ देंगे। अपना मौका बदल दिया, खुदा ने कहा निकालो, मौका बदल दिया। जैसे जैसे कहेगा हम बदलते जाएंगे, जैसे जैसे हकीकत सामने आएगी हम बदलते जाएंगे। हमने फरिश्तों का ठेका थोड़ी लिया हुआ, हम तो फरिश्तों ने भी तो मेरे बड़ी धर्मादी की है, ये भी तो सारी जिंदगी में ये कौन से मुझे अपने अंदर आने देते थे है? और आज भी कोई कद्दूका रूह मिल जाए सूफियत की या नबी की तो हो इनकी इनकी जन्नतों में, बाकी ये सारों को हकार के नीचे बचा देते हैं। इन्हें भी नफरत है इंसानों से। अच्छा तो मुझे इजाजत दें तो मैं फिर खत्म करूं। जी तो फिर इंशाल्लाह कल फिर उधर मुलाकात हो जाएगी। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी आप सब मेहमान का, बहुत शुक्रिया जी। सुनील भाई अब मेरे साथ रहिएगा एक सेकंड, तो बाकी मेहमान अगर जाना चाहें तो प्लीज आप सबका अमीन आसर अपना बहुत बहुत ख्याल रखें जी। और कल फिर डिस्कशन पे जी। खुदा भाई आपसे बहुत दिल करता है बात करने का, मेरे फोन में उसमें लैपटॉप है तो बात हो जाती है, वीडियो भी खुल जाती है, फोन में ना वीडियो खुलती है ना आपको वॉइस मैसेज खुलता है, बड़ा मसला हो गया। आपकी आवाज़ सुनने का बहुत दिल करता है लेकिन वॉइस मैसेज नहीं खुलता, आपसे लाइव बात करने का दिल चाहता है। जी जी आप जब मर्जी मुझे कॉल कर लें, शाम को मैं वापस आ जाता हूँ 8 बजे, तो पाकिस्तान के उस वक्त 11 बजे होते हैं, तो फिर वाईफाई कनेक्ट होता है, तो 11 बजे रोज आप जब चाहें 11:30-12 अगर आप जाग रहे हो उस वक्त तक तो मोर देन वेलकम टू कॉल जी। जल्दी सो जाता फिर 2 बजे उठाने जाता। अच्छा अच्छा हाँ ठीक 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 तो जी मैं फिर इसका कोई हल निकाल के आपको बताता हूँ, आपके लिए जो सूटेबल टाइम होगा मैं आपको कॉल कर लिया करूँगा। ठीक हो गया जी, चलें सही जी, अपना ख्याल रखें जी। खुदा हाफिज़। मुझे ज़रा थोड़ी सी एक पर्सनल बात करनी है ब्रदर थोड़ी साहब से, तो आप अमान साहब अगर आप भी यहाँ पर हैं तो कोई जी। अगर कोई बात है आप शेयर करना चाहें तो ठीक है, वरना थोड़ी देर के लिए जी। नहीं थोड़ी साहब नहीं जी, आप करें करें बात, कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। ठीक हो गया।